या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीमद् भगवद गीता एक अद्वितीय ग्रंथ पर उतने ही अद्वितीय भाव से चिंतन करने का यह हमारा प्रकल्प। पिछले वर्ष हमने तय किया था 18 वर्ष की यह यात्रा है हमारी। परमादरणीय ज्येष्ठ कर्मयोगी सदगत इंद्रवदन भाई मोदी के पुण्य स्मरण में कैडिला परिवार के द्वारा प्रतिवर्ष एक एक अध्याय के ऊपर चिंतन करने का जो हमारा उपक्रम, गत वर्ष प्रथम अध्याय पर हमने चिंतन किया, आइए दूसरा अध्याय थोड़ी सी भूमिका को समझ लें। हाँ, कैडिला परिवार की एक परंपरा रही है समय पालन की। मेरे प्रिय स्वजन डॉक्टर राजीव मोदी और पूरा परिवार ठीक समय पर यहां आ गए थे और मुझे कुछ विलंब होने वाला था ये पता था उनको। प्रातःकाल के सत्र में मुंबई के से 2 घंटे दूर पनवेल शहर में
भागवत कथा को विराम देकर कथा के मंडप से सीधे एयरपोर्ट और अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पर आकर ये आरंभ कर रहा हूँ। दूसरा अध्याय सांख्य योग। सांख्य शब्द बताता है संख्या, योग यूज टू जॉइन, ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया है। समग्र गीता केवल अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त करने की घटना नहीं है, वरन उसकी आध्यात्मिक उन्नति करके उसे परम तत्व के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। और ये जब हम कहते हैं कि परम तत्व के साथ जोड़ने की प्रक्रिया, तो भी हमारे मन में कुछ रिचुअलिस्टिक, कुछ क्रियाकांडात्मक बातें आती हैं। ईश्वर कहीं पर होंगे और हम जाकर उनसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। वेदांत की परिभाषा में यदि कहें तो ईश्वर से मिलन वो अपने आप से मिलन होता है। केवल आधुनिक युग की नहीं, मानव जाति की जब भी कोई समस्या रही है तो यह समस्या केवल एक कारण से रही है, व्यक्ति स्वयं से अलग हो गया है। द इश्यू इज ऑलवेज ऑफ डिस्कनेक्ट। प्रश्न यह है, हम किससे जुड़ते हैं और वहां जुड़ने के प्रवृत्ति करते समय कहां से बिछड़ते हैं। वेदांत में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है, जैसे कीड़ा वृक्ष के एक पत्ते पर से दूसरे पत्ते पर जा रहा हो, आपने देखा होगा शायद वो कीड़े को, तो मुख का भाग है, शरीर का आगे का हिस्सा है, वो लंबा करता है, दूसरे पत्ते को वो पकड़ता है मुख से और आगे के पैरों से, और जब उसे लगता है कि अब ये पकड़ ठीक हो गई है, मजबूत हो गई है, तब पीछे वाले पत्ते को छोड़ता है। ठीक इसी तरह जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, आगे की सीढ़ी पे पैर रखते हैं, तब नीचे की सीढ़ी पर से पैर उठाते हैं और वो पैर भी आगे उसके रखे, आगे का जब निश्चित होता है तो पीछे का छूटता है। हमारे जीवन यात्रा में यही होता है, कुछ पकड़ते हैं और जब कुछ पकड़ते हैं तो स्वाभाविक है कुछ छूटते जाता है। प्रश्न यह है, हम क्या पकड़ते हैं एंड इन द बार्गेन हम क्या छोड़ रहे हैं। धर्म की जो यात्रा है, अध्यात्म की जो पूरी प्रक्रिया है, वो कहती है कि ब्रह्म को पकड़ो, नित्य को पकड़ो और अनित्य को छोड़ो। होल्ड ऑन टू द परमानेंट वन एंड इन द बार्गेन इफ यू हैव टू लीव द इम्परमानेंट थिंग्स ऑब्जेक्ट्स इट्स फाइन, अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू बी अ लूजर इन दैट। करते क्या है हम इम्परमानेंट को, हम टेम्पररी को पकड़ने जाते हैं। हमारी गति हमेशा यही होती है। अब आपने जो बार बार सुने हैं वो शब्द, वो टर्मिनोलॉजी में कहूं, संसार को पकड़ने जाते हैं और ईश्वर छूट जाता है। भगवद गीता के प्रवचन में आप पहले दिन क्यों नहीं आ पाए? नहीं, आना तो था, बड़े बड़े बोर्ड देखे थे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी देखी थी और निश्चित किया था आना ही है, लेकिन क्या करें, फिर वो समधी आ गए और उनके साथ उनकी भी समधी थी और उन्होंने कहा अहमदाबाद में शॉपिंग करने ले जाओ, रानी ना हजीरा मा, तो फिर आज पहले दिन का अभी टीवी पे देख लेंगे और क्या, या डीवीडी मंगवा लेंगे। टेम्पररी को पकड़ा, परमानेंट को छोड़ा, और यही बार बार होते रहता है। एक बार जिसने निश्चय कर लिया कि अनित्य के लिए नित्य को नहीं छोड़ेंगे, उसकी जीवन की यात्रा निश्चित हो जाती है, श्रेय की ओर हो जाती है। तो ये डिस्कनेक्ट किससे हुआ? जैसे ही हम बाहर की ओर जुड़ने के लिए गए,
ईश्वर से छूटे। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर ईश्वर होता तो वो भी आप बाहर की ओर चलते। ईश्वर भीतर है। तो हमारा अल्टीमेट जो डिस्कनेक्शन होता जा रहा है वो अपने आप से होता जा रहा है। हम सब के बारे में सब कुछ जानते हैं, स्वयं के बारे में कुछ नहीं जानते। अपने आप से बिछड़ते गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, सोशल मीडिया बढ़ते गए, दुनिया एक छोटा सा गांव हो गई, ग्लोबल विलेज। सबके साथ जुड़े, यहां बैठे बैठे आप मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए ऑस्ट्रेलिया में बैठे आपके परिवारजनों से मिल सकते हैं, अमेरिका में बैठे आपके परिवारजनों से बात कर सकते हैं। सबके साथ जुड़ गए। उसने आज क्या भोजन खाया वो फोटो लेकर के फेसबुक पे अपलोड करेगा, अरे वो ये खाना खा रहा है। सबके साथ जुड़े, स्वयं से बिछड़ते गए, अपने लिए समय ही न रहा, और इसी में से सारी समस्याओं का जन्म हुआ। योग केवल एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज आवश्यक है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन योग का अर्थ केवल कसरत नहीं है। योग एक पूर्ण शास्त्र है, एक पूर्ण विज्ञान है, जो हमें स्वयं से जोड़ता है, जो हमें परब्रह्म से जोड़ता है। और पहला जो अध्याय था विषाद योग, यह भी प्रश्न हम पूछ सकते हैं, भला विषाद भी योग हो सकता है? हाउ कैन डिस्पोंडेंसी बी अ योग? जी, अर्जुन का विषाद भी योग बना। क्यों? क्योंकि अर्जुन का वह विषाद भी उसे परमात्मा से जोड़ने वाला रहा। दूसरा जो अध्याय है सांख्य योग, नंबर की तरह, कोई हाइपोथेसिस नहीं, कोई गृहित धारणाएं नहीं, एक और एक दो, इतनी स्पष्ट बात से परम तत्व को समझने का प्रयास, ये सांख्य योग है। थोड़ा सा विहंगावलोकन कर लें पहले अध्याय का। कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र के रण मैदान में आमने सामने, डरा हुआ दुर्योधन गुरु द्रोण के पास गया, दोनों सेनाओं का वर्णन किया उसने। पितामह भीष्म ने देखा कि दुर्योधन डरा हुआ है। ये दुर्योधन मनोविज्ञान की परिभाषा में देखें तो पैरानोइया का विक्टिम है। आप में से जिन्होंने साइकोलॉजी का अभ्यास किया होगा उनको पता होगा पैरानोइया किसे कहते हैं। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली एम्बिशियस पीपल। और महत्वाकांक्षी होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो पैरानोइया का विक्टिम कम बनता है। जब ये व्यक्ति को लगता है कि कुछ लोग मेरा बुरा करने के लिए तुले हुए हैं, कुछ लोग मेरा बिगाड़ रहे हैं, कुछ दुर्योधन को जीवन भर ये लगता था पांडव बुरे हैं, पांडव मेरा बुरा करना चाहते हैं, वो मेरी प्रगति देखना नहीं चाहते। अब पूरा विश्व जानता है कि पांडव तो धार्मिक थे, अच्छे थे, लेकिन दुर्योधन की अपनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, दुर्योधन की अपनी जो महत्वाकांक्षा के बीच में आता था, वो पांडवों को निरंतर अपना दुश्मन समझता रहा, व्यर्थ में उनके साथ संघर्ष करता रहा और पूरे परिवार की शांति को ध्वस्त करता रहा। अंत में वो अपना सर्वनाश ले आया, 100 भाइयों को मारने का निमित्त बना दुर्योधन। मनोविज्ञान इसे पैरानोइया कहता है। चाहे लाख समझाओ ऐसे लोगों को, वो नहीं मानेंगे।
ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको उनको सही मार्ग पर लाने की यदि कोशिश भी करे कोई, कोई उनको समझाए कि दुर्योधन मत कर ऐसा, पांडव अच्छे हैं, वो तेरा क्यों बिगाड़ेंगे। दुर्योधन को ये बात कभी जचेगी नहीं। इतना ही नहीं, ये समझाने जो आता है, उसको सही बात बताने आता है, वो उसको भी दुश्मन समझ लेगा। दुर्योधन ने कृष्ण को भी दुश्मन समझा। जहां भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने आए, और कितनी भगवान ने कितनी उदारता बताई, संधि का प्रसंग आप जानते हैं। दुर्योधन सही पूछो तो पूरा राज्य पांडवों का है, तुझे दे देना चाहिए उनको। दुर्योधन ने कहा भूल जाओ, कभी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आधा आधा कर लो। दुर्योधन ने कहा नहीं, ठीक है। इंद्रप्रस्थ का जो राज्य पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से बनाया था और तुमने द्यूत सभा के दौरान कपट से छीन लिया उनके पास से, वो तो लौटा दो उनको। दुर्योधन ने कहा वो भी नहीं दूंगा। और अंत में जब श्री कृष्ण ने कहा 5 गांव दे दो बस, अब ये कोई न्याय हुआ? कहां पूरे राज्य के अधिष्ठाता पांडव और कहां 5 गांव लेकर के छोड़ देने की बात। लेकिन उसके लिए भी दुर्योधन नहीं माना। सुच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे केशव, युद्ध के बिना तो मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। ये दुर्योधन का, कृष्ण को भी वो दुश्मन मानने लगा, कृष्ण को भी मारने की योजना बनाने लगा। ये तो धृतराष्ट्र ने उसे रोका कि दुर्योधन मत कर, प्रजा तेरे विरुद्ध हो जाएगी। ये दुर्योधन जैसे पैरेनोइया के विक्टिम्स कितना सर्वनाश ले आते हैं। द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर उसने जब दोनों सेनाओं का वर्णन किया, भीष्म देख रहे थे दूर से, पता चल गया भीष्म को, क्योंकि बचपन से देखा है दुर्योधन को बड़ा होते हुए। डरा हुआ सा दुर्योधन, उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए भीष्म ने शंखनाद किया है। रूलिंग पार्टी के कमांडर इन चीफ भीष्माचार्य ने जैसे ही शंखनाद किया, दोनों ओर से ततशंखाशभेर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यान्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। भयंकर ध्वनि हुआ। कौरवों ने जब शंखनाद किया, पांडव पक्ष से भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, अर्जुन ने किया, और बहुत बड़ी परंपरा बताई है पहले अध्याय में। अब ये भी देखना, कौरव पक्ष में जो ध्वनि हुआ ना, वो भयंकर ध्वनि हुआ, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का भी वर्णन किया हमने, डिटेल में देखा था। पणव आनक गोमुख भेरी मृदंग सब बजा, ढोल। और पांडव पक्ष में, पांडव पक्ष में केवल शंखनाद हुआ, और वाद्य बजाने का वर्णन पहले अध्याय में नहीं है। कौरवों की ओर से बहुत प्रकार के साधन बजाए गए, फिर भी पांडव पक्ष पे उसका कोई परिणाम नहीं हुआ, और पांडवों ने केवल शंखनाद किया सशब्दस्त। वो कौरवाणाम धार्तराष्ट्रान हृदयानि व्यदारयत्। वो ध्वनि कौरवों के हृदय को चीरने वाला हो गया। बहुत ध्यान रखना, झूठा आदमी चाहे कितना भी शोरगुल करे, जो सच्चा व्यक्ति है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और सही व्यक्ति जो है, धर्म का व्यक्ति है, वो एक नाद करे उससे झूठे लोग डर जाते हैं, उनके हृदय चीर जाते हैं। अर्जुन ने भगवान से विनती की, प्रभु सेनयोरुभयोर मध्ये रथं स्थापय मे च्युत। पहले अध्याय का 21वां श्लोक। यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जरा देख तो लूं मैं, ये रण संग्राम में मुझे किसके साथ लड़ना है,
दोनों सेनाओं के बीच में, हे प्रभु मेरा रथ ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने सारथी के रूप में अपना कर्तव्य निभाया, दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले गए। अर्जुन ने देखा दोनों ओर संवेदनशील व्यक्ति है। एक बात उसकी समझ में आ गई कि इस युद्ध में चाहे कोई भी जीते, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जो मरेगा वो मेरा अपना होगा, मेरा स्वजन होगा। दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणी मुखंच परिशुष्यति। उसका मन निर्बल हुआ, परिणाम शरीर पर दिखाई पड़ने लगे। बुद्धिमान व्यक्ति है, जानता है कि युद्ध से दूर होने का जो मैं बात उस कर रहा हूं, ये विचार भी रख रहा हूं, वो गलत है। लेकिन संवेदनशील भी है और बुद्धिमान भी है, अपनी संवेदना को बुद्धि से जस्टिफाई करता है। संसार में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बुद्धि से जो निर्णय लिया गया है उसमें वो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने जीवन का उसे ध्येय बना लेते हैं। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि इमोशनली जब इम्बैलेंस्ड हो जाएं तो उस असंतुलन को वो अपनी बुद्धि से जस्टिफाई करने लगते हैं। अब बुद्धि के पीछे इमोशन लगाते हो या इमोशन की असंतुलन परिस्थिति को बुद्धि से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो भी लोग इस संसार में सफल हुए हैं वो पहले प्रकार के लोग हैं कि बुद्धि से निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय से इतने इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, कर्म करने के लिए समर्पित भाव से जुड़ जाते हैं, सफल होते हैं। और जो एवरेज पीपल होते हैं वो इमोशनल डोल्ड्रम में रहते हैं और अपने इमोशनल असंतुलन को बुद्धि से जस्टिफाई करते रहते हैं। आप तय कर लेना आप कहां पर हो। बुद्धि के इंजन में इमोशन के डिब्बे लगे हैं या इमोशन के इंजन में बुद्धि का डिब्बा लगा हुआ है। अर्जुन का यहां यह हुआ कि है बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए पता तो चल गया कि इमोशनल असंतुलन आ रहा है, लेकिन बुद्धि से उसको जस्टिफाई करने लगा। कारण बताए, अब फैक्चुअली देखोगे तो वो कारण सब सही है। अधर्मा भिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डो दकक्रिया नरके नियतं वासो भवति इत्यनुशुश्रुम। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट के रूप में ले लो तो सबके सब बिल्कुल सही है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास से आ रहे हैं और जिस समय आ रहे हैं वो गलत है। इसी पर आज हमें चिंतन करना है। परिणाम यह आया कि पहले अध्याय के अंत का दृश्य विसृज्य सशरम चापम रथोपस्थ उपाविशत नयोत्स्ये इति गोविंदम उक्त्वा। अर्जुन ने धनुष बाण छोड़ दिए, रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। वो इस दृश्य पर हम एक वर्ष पहले रुके थे। आप सबको तो पता ही है, मैंने केवल अपनी परीक्षा दे दी कि मुझे याद है इतना। अब दूसरा अध्याय सांख्य योग में चार विषय है मुख्य। पहले 10 श्लोक अर्जुन अपनी व्यथा प्रकट करेगा, परमात्मा उसे समझाने का प्रयास करेंगे। यह संवाद है 10 श्लोकों में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। उलझन में पड़ा हुआ अर्जुन परमात्मा श्री कृष्ण के पास अपने शिष्यत्व का स्वीकार करता है।
कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ये पहला प्रकरण। 11वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के उपदेश का आरंभ करेंगे। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से देह की अनित्यता और आत्मा की नित्यता का वर्णन करेंगे कि अर्जुन, शरीर नाशवंत है, आत्मा अमर है। अर्जुन का डर यह नहीं है कि मैं हार जाऊंगा। पहले अध्याय में भी हमने देखा, अर्जुन का जो मन निर्बल हुआ है वो इस कारण से हुआ है कि मैं अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता। अर्जुन को यह डर नहीं कि मैं मर जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, यह डर है ही नहीं उसको। मुझे इनको नहीं मारना है, इन्हें यदि मैं मारूंगा तो मुझे दुख होगा, यह अर्जुन का प्रश्न। तो अर्जुन के मन में है मुझे अपने स्वजनों को मारना पड़ेगा। 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक भगवान ये मृत्यु के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अर्जुन का जो बेस है उसी को हटा लेते हैं। अर्जुन, जो मरते हैं वो शरीर होते हैं, आत्मा अमर है, और हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा के रूप में हम नित्य स्थिर हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार में हमारा अस्तित्व हमेशा रहता है। चाहे हम हिमालय के बर्फीले शिखर पर उपस्थित हों, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम होते हैं। टू बी इज अवर नेचर। 31वें श्लोक से 53वें श्लोक तक स्वधर्म और कर्म की बात प्रभु बताते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ये प्रभु ने बताया। तीसरा प्रकरण दूसरे अध्याय में, इसमें बहुत प्रसिद्ध श्लोक आएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। और फिर भगवान जब ये बात करते हैं स्वधर्म की, कर्म की, बुद्धि प्रतिभा की, प्रज्ञा की, तो अर्जुन के मन में प्रश्न होता है कि प्रभु आप जो वर्णन करते हैं, डजंट इट साउंड टू आइडियलिस्टिक? क्या सचमुच ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, इतना आदर्श? और यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो हम उसे पहचाने कैसे? दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। और 54वें श्लोक से लेकर के 72वां श्लोक, 72nd श्लोक, स्थित प्रज्ञ दर्शन, बड़ा अनूठा प्रकरण है वो। ये दूसरा अध्याय का। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने तो
अपनी नित्य प्रार्थना में रखा था, स्थित प्रज्ञ के श्लोक 18 श्लोक, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। तो ये एक ब्रॉड स्केच अगले 7 दिनों तक जो हम अध्ययन करने वाले हैं, और ये सारे सिद्धांत आधुनिक युग में या 21वीं सदी में मेरे और आपके जीवन को कैसे स्पर्श करते हैं, ये पूरी जो अपनी प्रवचन यात्रा है 18 अध्याय की, उसमें एक बात सेंटर में रहेगी, केवल 3 अध्याय का तन तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, तम उस अर्जुन को, उनके प्रति भगवान कहते हैं कुछ, क्या कहते हैं, कैसा था वो अर्जुन, कृपया आविष्टम, करुणा से आविष्ट हो गया है, करुणा का आवेश आया है उसको, ऐसे अर्जुन को विषीदंतम, करुणा का आवेश आया है, दया का आवेश आया है, कृपा का आवेश आया है, इसलिए जो विषाद युक्त हो रहा है, जो विषाद कर रहा है, और अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, एक क्षणम आंखें, लेकिन कैसी है, अश्रुपूर्ण और आकुलेक्षणम, आंसुओं से भरी हुई है और आकुल है, गुजराती में शब्द छन आकुल व्याकुल, तो अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंखें अश्रुपूर्ण भी हैं और आकुल भी हैं, ऐसी आंखों वाले अर्जुन से इदं वाक्यं मधुसूदनः उवाच, मधुसूदन ये वाक्य बोले, इसे जरा समझे आप, कृपया आविष्टम, अर्जुन की स्थिति क्या है, कृपा से, कृपा का आवेश आया है उसमें, गांव के लोग कहते हैं ना कि इसे तो भूत का आवेश आ गया, आवेश आना या तो क्रोध का आवेश आना, आवेश शब्द ही बताता है कि आप अपने आपे में नहीं हो, यू आर नॉट व्हाट यू आर, आवेश है वो जैसे सोडा बॉटल, सोडा की बॉटल खोलते हो और एफर्वसेंस आते हैं, ये आवेश, ये आपका अपना स्वभाव नहीं है, ये आया हुआ है, बहुत टेम्पररी है, लेकिन आवेश का एक ये भी अर्थ है, वो टेम्पररी है लेकिन जब आता है तो इतना जोर से आता है, बॉटल जब खोलोगे तो एफर्वसेंस इतने जोर से बाहर आते हैं जैसे उनके लिए ही बॉटल बनी थी, बॉटल उनके लिए नहीं बनी थी, क्रोध का जब आवेश आता है तो लगता है बस यही सब कुछ, वास्तव में वो है नहीं, आवेश मूलतः अयोग्य है, क्योंकि इस पहली बात वो आपका स्वभाव नहीं है, दूसरी बात वो टेम्पररी है, और आवेश में आकर के जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो योग्य नहीं होंगे, क्योंकि आप स्वयं उसका नेगेशन करोगे, जब ये आवेश उतर जाएगा तब आप कहोगे अरे ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण एक ही ये प्रयास करते हैं कि आवेश में आकर के अर्जुन निर्णय न ले ले, आवेश कोई भी हो, आवेश गलत है, जैसे आप कहोगे नहीं लेकिन वो भूत की बात अलग, क्रोध तो बुरी बात है, ये तो करुणा है ना, अच्छी बात है ना, नहीं अच्छी बात का भी आवेश गलत है, अच्छी बात भी यदि परमानेंट टिकने वाली ना हो, आवेश में आकर के अर्जुन रण मैदान छोड़ के भाग जाए, अब वहां भागने के बाद वो पछताएगा, ही विल रिपेंट, और दूसरी बात ये आपका धर्म नहीं है, अर्जुन कृपा की बात करता है, करुणा की बात करता है कि चलो दुर्योधन राज्य करे चलेगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य,
धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। ये जो पहले अध्याय में अर्जुन ने कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे रण में मार डाले वो मेरे लिए अधिक कल्याण होगा, इसको पूरे वेदांत की परिभाषा में हम समझेंगे। आवेश गलत है क्योंकि आवेश में विचार शक्ति नहीं होती और विचार शक्ति के बिना की गई अच्छी बातें भी अयोग्य हो जाती है क्योंकि उन अच्छी बातों को कोई आधार नहीं। कांटा भी यदि खिला होगा उगा हो और उसकी जड़ें मजबूत हो तो वो टिक सकता है। फूल भी यदि ऐसे ही आप जमीन में लगा दो जिसकी कोई जड़ नहीं है तो वो फूल भी मुरझा जाएगा। दुर्योधन गलत था लेकिन डीप रूटेड गलत था और अर्जुन की अच्छाई भी यदि आवेश में होगी तो वो किसी काम की नहीं होगी, वो अवगुण हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपने स्वभाव में लाना चाहते हैं। और दूसरी बात, भगवान के लिए यहां जो शब्द प्रयोग किया मधुसूदन, मधु नाम के दैत्य को मारा था श्री कृष्ण ने इसलिए नाम पड़ा मधुसूदन। विषीदंतम, जिन संबंधियों के प्रति अर्जुन को स्नेह भाव है उनकी हत्या होगी, उनके नाश होगा, ये शंका की वजह से अर्जुन का जो चित्त शोकातुर हो गया उस भाव को, उस विकलता को विषाद कहते हैं। विषीदंतम पद से संजय कहना चाहता है कि ये भाव भी अर्जुन के मन में आगंतुक है, कभी कभी आता है। अर्जुन के लिए युद्ध करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, अब तक जीवन में कई युद्ध लड़ चुका है, वो विजयी हुआ है, इसलिए अर्जुन का एक नाम था विजय, जो कभी पराजित नहीं हुआ। इस बार स्वजनों को देख के जो विषाद आया वो आगंतुक है। मधु नाम के दैत्य को मारा था प्रभु ने, अब ये अर्जुन के मन में भी नकारात्मकता रूपी राक्षस आसुरी भाव जो आ रहा है उसका हनन श्री कृष्ण करेंगे, इसलिए संजय ने संबोधन किया मधुसूदन। उसका एक और भाव है श्री कृष्ण या भगवान का कोई भी स्वरूप हो, करुणा की मूर्ति है भगवान, वो करुणा ना करनारा तारी करुणा नो कोई पार नथी। लेकिन भगवान की जो करुणा है वो ऐसी करुणा नहीं है कि दुष्टों को छोड़ दे। भगवान की करुणा को भी समझना, भक्तों की रक्षा करना, ये जैसे भगवान की करुणा है ऐसे दुष्टों का दमन करना ये भी परमात्मा की करुणा है। भक्तों की रक्षा करके उन पर करुणा की वर्षा होती है, ऐसे दुष्टों का दमन करके उनकी दुष्ट प्रवृत्ति को रोकना ये भी उस दुष्ट जीवों के ऊपर भगवान की कृपा है। बेटे को अच्छा सा खिलौना लाके देना, सुंदर पुस्तकें लाकर देना, ये जैसे पिता का प्रेम है, पिता की करुणा है अपने पुत्र के ऊपर, वैसे ही पुत्र यदि व्यसन का शिकार बना हो या तो पुत्र किचन में से नुकीले चाकू लाकर के उससे खेल रहा हो
तो पुत्र को तो अच्छा लगता है, अरे मैं तो चाकू से खेल रहा हूं या तो मैं कुछ व्यसन ये कर रहा हूं, लेकिन उस पुत्र के हाथ में से उस छुरी को ले लेना, पुत्र रोए तो भी ले लेना, पुत्र के हाथ में से व्यसन को छीन लेना, उसको सजा भी देनी पड़े, एक महीने तक घर से बाहर मत निकलना, जहां भी जाएगा मेरे साथ में आएगा, बुरे दोस्तों के साथ जाता है इसलिए ये गलत आदतें पकड़ता है ना। तो ये पुत्र को पसंद नहीं है ऐसी प्रवृत्ति पिता ने की, लेकिन वो भी पिता की करुणा है पुत्र के ऊपर। हर बार जो व्यक्ति को पसंद है वो ही उसको करने देना, ये करुणा नहीं है। या तो सामने वाला व्यक्ति जो करता रहे वही कर, दुष्टों का दमन करना ये भी भगवान की करुणा का भाग है। और ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक शायद हम कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। हमने करुणा का अर्थ कितना समझा है, बस मोम की तरह जो पिघलता हुआ वही करुणा है। करुणावान व्यक्ति पिघलता है लेकिन जब आवश्यक पड़े तो वो पत्थर के समान वज्र के समान मजबूत भी हो सकता है, और वो मजबूती भी उसकी करुणा का ही हिस्सा है। इसलिए मैंने ये माता पिता का दृष्टांत दिया। दैनंदिन जीवन में आपको करना पड़ता है, पुत्र को कभी प्रेम भी करना पड़ता है और कभी आंखें लाल भी करनी पड़ती हैं, दोनों में आपकी करुणा है। ऐसे सप्तशती चंडी पाठ का जब आप पाठ करते हो ना, महिषासुर मर्दिनी, उसमें माता जी की बहुत सुंदर स्तुति है। चित्ते क्षमा समर निष्ठुरता च सामनाम, मां भगवती चित्ते क्षमा, चित्ते कृपा और समर निष्ठुरता, मन में क्षमा का भाव है, मन में कृपा का भाव है, लेकिन समर में जब जाती है तो फिर निष्ठुर है। वो महिषासुर दैत्य था तो उसके ऊपर कृपा तो करता रहे बुरे काम, मेरे आशीर्वाद ये कृपा है, वहां समर निष्ठुरता, ये भारतीय संस्कृति है। हम क्या सोचते हैं, हम तो करुणावान रहे, सामने वाला अपने आप सुधर जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि उसको सद्बुद्धि दे, कौन देगा? सब लोग यदि यही सोचेंगे तो उसको सद्बुद्धि कौन देगा? Somebody has to be a disciplinarian, जो हमने क्षत्रियों को सौंपा था कर्तव्य वर्णाश्रम प्रथा के अनुसार, किसी को तो कड़क होना पड़ेगा। और वो कठोर होने में भी करुणा है मधुसूदन। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, दूसरा और तीसरा श्लोक साथ में लें, यूं देखो तो परमात्मा के शब्द हैं, भगवद गीता में पहली बार आ रहे हैं श्री कृष्ण के शब्द। तत्वज्ञान की शुरुआत 11वें श्लोक से होती है लेकिन परमात्मा के शब्द तो अवश्य हैं। आइए दूसरा और तीसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं, विषमे समुपस्थितं, अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन, क्लैब्यम् मास्मगमः पार्थ, नैतत्त्वैयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप
बड़ी सुंदर बात प्रभु कहते हैं, बहुत डायरेक्ट है यहां पर। भगवान ने जब उच्चार किया तो सबसे प्रथम उच्चार प्रभु ने किया कुतः, कुतस्त्वा कश्मलमिदम्। अर्जुन तेरे भीतर ये कश्मल कहां से, कुतः का अर्थ है वेयर फ्रॉम, कहां से। इदम कश्मलम कुतः, कहां से आया ये तेरे में, ये कायरता, ये मन की निर्बलता, ये दुर्बलता कहां से आई। और ये भी विषमे समुपस्थितम, विषम परिस्थिति में आई है। कश्मल शब्द का एक अर्थ है दाग, काली मां। आपको शायद पता ना हो, संस्कृत भाषा में अर्जुन शब्द का एक अर्थ होता है सफेद। अब जरा ये भी कहना, जरा अर्जुन शर्ट लाओ सफेद, क्यों, रुजू है। और जो सफेद होता है ना, उसमें छोटा सा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। जो पहले से ही दाग वाला हो, उसमें छोटा मोटा दाग पड़े तो पता नहीं चलता। घना लोग कहू के हाँ चादर आपने थोड़ी काम डार्क कलर नी ज राखवी, मेल खाऊ। आपने गुजराती हो एटले खरेखर धन्यवाद आपने आपवा पड़े, क्यों, तो मैल दिखाई नहीं पड़े। अरे दिखना चाहिए, जब मैल दिखेगा तो धोने की इच्छा होगी, यदि दिखेगा ही नहीं साफ कैसे करोगे। दिखना चाहिए मैल। अर्जुन शब्द का अर्थ है शुभ्र, स्वच्छ, सफेद। और अर्जुन जैसे पवित्र व्यक्ति के मन में थोड़ी सी भी काली मां आ जाए ना, तो तुरंत दिखाई पड़ता है। कुतः, कहां से आया ये। और ये विषम परिस्थिति में, याद रखना भगवान ये पूछ रहे हैं कहां से आया। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को पता नहीं है। ये कहां से का अर्थ किधर से आया है ये पूछना चाहते हैं, जानना, ऐसा नहीं है। प्रभु को पता है कहां से आया है, इसलिए पूछते कैसे अर्जुन ये तेरे में। आगे के श्लोक में जो कहा ना, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नहि तत्वैव पद्यते, उस समय मैं बताता हूं। विषम परिस्थिति में आए, विषम परिस्थिति कौन सी है, दुर्योधन जैसा अधार्मिक व्यक्ति मेजॉरिटी अपने साथ लेकर खड़ा है, यह विषम परिस्थिति है। भगवान श्री कृष्ण के बिना भी, धर्म का आचरण किए बिना भी यू कैन बी पॉप्युलर, ये दुर्योधन ने सिद्ध करके बताया था। अभी अभी हमने बिहार के चुनाव देखे, गलत हो सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया, फिर भी वो आदमी लेकर आता है। ये विषम परिस्थिति है, विषमे समुपस्थितम। झूठे लोग जब अपने सिक्के चलाने लगे, समाज में स्वीकृत होने लगे और सही व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछालने लगे, ये विषम परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन तू
मन की दुर्बलता को लेकर बैठ गया। कैसे चलेगा अर्जुन? मैं हमेशा ये श्लोक जब समझा मेरे मन में एक दृष्टांत आ जाए, वो दृष्टांत कब से घूम रहा है वो कह दो, उसके बाद में मैं आगे जा सकूंगा। युवक हो, ये दृष्टांत मैंने कई बार कहा है, तो आज मैं सोचता था कि न दूं, लेकिन आवेश आया है उसका और वो दृष्टांत से बहुत बातें स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए 25 साल का युवक आधुनिक, माता पिता कहते हैं बेटे ब्याह कब करेगा, ब्याह कब करेगा, और आजकल के माता पिता का अनुभव है बेटे ब्याह की सोचते ही नहीं, हमणा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अरे अभी नहीं, 25 साल का हो गया, अभी नहीं, पता नहीं इनको तकलीफ क्या है। ऐसे ही ब्याह करके भी कोई बहुत सुख की परिस्थिति नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी माता पिता को चिंता होती है कि ब्याह कर ले और लड़का नहीं। तेरे मन में कोई है? कहता है नहीं। हम दिखाएं? ओके। अब जो प्रपोजल आते हैं सबको ना 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 बोलते जाता, नहीं इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा है, ये बहुत पतली है, ये थोड़ी ओवरवेट है, इसके बाल ऐसे हैं, इसको तो आंख पे चश्मा है, ये थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली है, तुझे चाहिए क्या एग्जैक्टली? और सब कुछ अच्छा हो, कन्या दिखने में सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, परिवार अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। माता पिता को लगता है कि अभी तक जितनी ना कही, अब ये कन्या देखिए ना उसमें तो हाँ बोल देगा, उसको भी मिल के आता है और कहता है ना, तो माता पिता को आश्चर्य लगता है, अरे सब कुछ अच्छा था इसका तो क्यों ना कहा? नहीं, क्लिक नहीं हुआ। क्लिक थवानु शू छे अजी हम जायू नहीं, केमिस्ट्री मैच नहीं हुई। तो कोई ना कोई बहाना करके वो ना 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 करता जाए, 32 साल का हो जाए, माता पिता कहते, और अब तो फिर प्रस्ताव भी आना कम हो जाते हैं ना, प्रपोजल्स भी कम हो जाते हैं। पहले हफ्ते में 3 आते थे, फिर 3 हफ्ते में 1 आता है, फिर 3 महीने में 1 आता है, 6 महीने में 1 प्रपोजल आया। माता पिता कहते हैं जल्दी तय कर ले नहीं तो ऐसा ही रह जाएगा। तो फिर वो स्थिति भी ऐसी होती है ना, फिर जो आता है स्वीकार कर लेना पड़ता है। पहले जो एक ड्रीम गर्ल का कॉन्सेप्ट रखा था वो तो मिला नहीं, अब जो मिली वो ड्रीम गर्ल तो स्वीकार कर लेना पड़ता है। कहेगा हाँ मंजूर, माता पिता को लगता है हाँ इसने हाँ तो कह दी, नक्की हाँ, निश्चित हाँ, तो हम आगे बढ़ें हाँ, और एक बार देखना है तो अच्छा ठीक है एक बार और देख लेता हूं, एक बार और देख के आए। माता पिता कहते अब हाँ अनाउंस करें हम समाज, हाँ करो। तो माता पिता समाज में अनाउंस करते हैं, एंगेजमेंट होती है और पूछना पड़ता है ना, अभी तो हर बार ब्याह अभी नक्की हाँ ठीक है वेडिंग डेट नक्की करो, तो उसको पूछ पूछ के वेडिंग डेट, वो भी उसको पूछते हैं देखिए इतने मुहूर्त आए हैं तू पसंद कर उसमें से, वो वेडिंग डेट भी वो पसंद करता है। कार्ड प्रिंट करवाने का भी उसको पूछ के, ये तुझे कौन सी डिज़ाइन पसंद है देखिए कार्ड, ये हॉल में ब्याह करेंगे, केटरिंग में ये आइटम होगी, सब कुछ उसको पूछ पूछ के उसकी अनुमति लेके, वो जब के हाँ बराबर है यही हाँ यही हाँ यही, वो खुद के कपड़े तो पसंद करे, माता पिता अपने कपड़े भी उसको दिखाते हैं देख तेरे ब्याह में हम ये पहनेंगे, कहता है हाँ ठीक मेरे मेरे सूट के साथ मैचिंग है तुम्हारा, सब कुछ उसको पूछ पूछ के किया है। बैंड बाजा के साथ बारात लेकर के वो पहुंचता है, बारात का स्वागत किया जाता है, मंडप के अंदर विवाह की विधि शुरू होती है, पहला फेरा दूसरा तीसरा
और अंतिम अब चौथा फेरा होने जा रहा है। इस समय ये लड़का अपने पिताजी को बुलाता है, पापा एक मिनट। पापा कहता है, क्या बेटा बोल। पापा मुझे नहीं लगता ये ब्याह करके मैं सुखी रहूंगा। अब इस समय पिता की हालत क्या होगी, कान के नीचे एक बजाने की इच्छा होती है ना पिताजी को। ये इतना तुझे पूछ पूछ के सब कर रहे थे, तू हां 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 करता गया, और अब तू ये कहता है कि ये ब्याह नहीं करना, चौथा फेरे। उस समय पिता की स्थिति क्या होगी, कितना आक्रोश आएगा। भगवान श्री कृष्ण की यह अवस्था होगी इस समय। अर्जुन को नींद में से उठा करके रण मैदान पे नहीं ले आए हैं। ऐसा नहीं था कि अर्जुन को पता नहीं था कहां जाना है क्या करना है और अचानक रण मैदान में खड़ा कर दिया, अर्जुन देख तुझे युद्ध कर, ऐसा तो था नहीं। जीवन भर यह प्रक्रिया चली है। इनफैक्ट कृष्ण की एंट्री बाद में हुई, कौरव तो परेशान करते ही थे पांडवों को, बचपन से भीम को जहर वाले लड्डू खिला करके मारने का प्रयास किया, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, मां कुंती सहित पांचों पांडव ब्राह्मण के रूप में गुप्त स्वरूप में रहकर के इधर उधर छिपते रहे अपने प्राण की रक्षा के लिए। भगवान श्री कृष्ण की एंट्री तो हुई है द्रौपदी स्वयंवर के समय, उस समय पांडव ब्राह्मण स्वरूप में ब्राह्मणों के बीच में बैठे थे, मां कुंता तो वहां थी भी नहीं, वो तो जिनके वहां उतरे थे कुंभार के वहां, वहां थी कुंता जी। तो पहली बार श्री कृष्ण वहीं पर आए हैं द्रौपदी स्वयंवर में, जहां पांडवों से मिले और बलराम जी ने परिचय कराया है। कृष्ण वो देख, वो जो पांच लोग बैठे हैं ना, वे हमारी बुआ के बेटे हैं, पांच पांडव हैं। कृष्ण कहते लेकिन ब्राह्मणों में बैठे, हमारे बुआ तो क्षत्रिय है ना पांडव। हां अभी गुप्त अवस्था में है, वो छुप कर रहते हैं, वो दुर्योधन ने बहुत परेशान करता। अच्छा, और इन पांचों को देखा, श्री कृष्ण ने उसी समय तय कर लिया, मुझे जो धर्मराज्य की स्थापना करनी है इन्हें मैं निमित्त बनाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का हाथ पकड़ा, उससे पहले भी पांडव तो त्रस्त थे दुर्योधन से, अर्जुन के लिए कोई नई बात नहीं थी। और अर्जुन अब जब फैसला होने आया है, वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ ब्रिंगिंग दिस होल इश्यू टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, और उस समय तू ये कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। और ऐसे भी हम जानते हैं कि महाभारत का युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही जीता गया। अर्जुन तू एक चला जाएगा, 10 अर्जुन खड़ा करूंगा मैं, निर्माण करूंगा, शक्ति थी कृष्ण में वो। लेकिन प्रेम था इसलिए प्रभु ने कहा, कहां से आया ये दुर्बलता, कहां से ये तेरी दुर्बलता कैसी है। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम, एक ही पंक्ति में तीन तीन विशेषण कह दिए ये मन की दुर्बलता के लिए। ये तेरा कार्पण्य कैसा है अर्जुन, ये तेरा कश्मल कैसा है। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, ये सारे विशेषण कश्मलम के लिए हैं। अनार्य जुष्टम कश्मलम, अकीर्तिकरम कश्मलम, अस्वर्ग्यम कल कश्मलम। तू ऐसा सोचता है अर्जुन की रण मैदान छोड़ के तू भाग जाएगा तो लोग तुझे अच्छा कहेंगे, अनार्य जुष्ट है। आर्य लोग ऐसा नहीं करते। क्यों तू प्रभावित हो गया, भगवान कृष्ण जानते हैं ये विचार कहां से आया है अर्जुन के मन में। धृतराष्ट्र ने जो संजय विष्टि की थी, संजय के द्वारा बातें कहलवाई थी,
वो भी था, और युद्ध तय हुआ उसके बाद भी जब श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए, दुर्योधन तो नहीं माना, लेकिन धृतराष्ट्र ने संदेश भेजा था युधिष्ठिर के नाम। युधिष्ठिर के मन पर असर नहीं हुआ उसका। युधिष्ठिर नाम का ही अर्थ है युधि स्थिर। एक बार उन्होंने तय कर लिया कि युद्ध करना है, देन नोबडी कैन चेंज हिज माइंड। धृतराष्ट्र ने संदेश भेजा था युधिष्ठिर के नाम कि तुम धर्मराज हो, तुम तो अच्छे हो, ये युद्ध करने से क्या फायदा होगा, देखो ना दुर्योधन तो मानता ही नहीं है। परिवार में भी कभी कभी ऐसा होता है ना, एक शरारती लड़का होता है और एक शांत होता है। अब जो शरारती होता है ना उसको सब मिलते जाता है, क्योंकि वो जिद करेगा, रोएगा, वस्तुओं को फेंकेगा, और दूसरा बेटा है वो शांत है तो हमेशा माँ कहती है कि माँ हमेशा बिजी रहती है, बेटा तू सयाना है ना, वो तो पागल है, दे दे बेटा तू खिलौना दे दे उसको, चल हा? मैं तुझे कल, अब कल कब आएगा क्या पता। तो जो न्यूसेंस क्रिएटर है उसको फायदा होते जाता है, और जो शांत है वो बेचारा गंवाते रहता है। धृतराष्ट्र ये मान जानते थे, इसलिए यही फिलॉसफी उन्होंने ली धृतराष्ट्र ने कि दुर्योधन तो दुष्ट है, युधिष्ठिर तुम जानते हो, तुम धर्मराज हो, तुम बड़े हो, तुम त्यागी हो, तुम्हारी शोभा है ऐसे, ये तुम्हें शोभा देगा, दुर्योधन तो लड़ेगा, वो तो है पहले से झगड़े वाला, तुम्हारी शोभा है इसमें, इतने सारे लोग मरेंगे क्या शोभा देगा हमें। युधिष्ठिर के मन पे ये सब असर नहीं पड़ा, लेकिन अर्जुन के मन में असर पड़ गया है। वेदांत का एक सिद्धांत समझ के रखें मेरे प्रिय भाइयों बहनों, साइंस जो अधूरा पहुंचा है ना, मैं प्रश्न आपसे एक पूछूं पहले फिर ये थियोरी पर आऊं। वस्तु का ज्ञान हमें कैसे होता है? ये फूल का हार, पुष्प का हार, मैं यहां से देख रहा हूं, आप वहां से देख रहे हो, तो इसका ज्ञान हमें कैसे होता है? मॉडर्न साइंस ये कहता है, फिजिसिस्ट ये कहेंगे कि सूर्य का प्रकाश इस पुष्प के ऊपर गिरता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, और वहां से प्रकाश परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंख में पड़ता है, रेटिना के ऊपर उसकी इमेज बनती है, और वो इमेज को हमारी नर्व्स, हमारे ज्ञान तंतु ब्रेन तक ले जाते हैं, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि ये आकार है इसका, ये रंग है, इसकी ऐसी पंखुड़ियां है। ये मॉडर्न साइंस कहता है, हम सब जानते हैं। सूर्य का प्रकाश वस्तु के ऊपर गिरा, परावर्तित होकर के आंख में गिरा, रेटिना पर इमेज आई, नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन तक गया, और ब्रेन ने इसका ज्ञान लिया, कॉग्निजंस लिया ब्रेन ने कि दिस इज अ रोज, गुलाबी रंग का है। यह मन ने तय किया, बुद्धि ने निर्णय लिया, हम सब ऐसा मानते हैं। साइंस की दृष्टि से है ये बात आएगी, वेदांत कुछ अलग कहता है। वेदांत कहता है वस्तु आपके मन में नहीं आती, आपका मन, आपका चित्त उस वस्तु में जाता है, और आपका मन उस वस्तु का आकार धारण करता है, ये वेदांत कहता है। इसे समझने का प्रयास करें। यदि, और क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है उसकी मर्यादाएं भी हैं, यदि यह वस्तु मेरे रेटिना पर बनती है और रेटिना से नर्वस सिस्टम ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, तो यह गुलाबी रंग है, या तो ये गुलाब है, ये कैसे पता चला?
आधुनिक विज्ञान कहता है पूर्वाभ्यास से, कंडीशनिंग से पता चला। हम जब छोटे थे हमको सिखाया गया इसे गुलाबी कहते हैं, ये गुलाब का फूल है, ये गुलाबी रंग कहते हैं, इससे पता चलता है। लेकिन कई बातें ऐसी, सब कुछ हमें सिखाया नहीं गया है, कई बातें बिना सीखे भी हमें पता चल जाती है। अंतर का कैसे पता चलता है, हाउ डू वी नो द डिस्टेंस। आधुनिक साइंस कहता है वो बस अंदाजा, साइंस के पास इसके एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं कहूंगा इतना 3 फीट होगा, आप कहोगे आपके लिए शायद 50 फीट है, वहां लास्ट रो में बैठे उनके लिए तो शायद 500 फीट है। कैसे पता चला ये नजदीक है दूर है? वस्तु तो जड़ है, उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो अपना ज्ञान कराए। चेतन तंत्र जो है वो स्वराट है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेश्व विज्ञ स्वराट। जड़ के पास ऐसी कौन सी शक्ति, वस्तु में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि अपना ज्ञान आपको कराए। वेदांत कहता है जड़ अपना ज्ञान नहीं करा सकता, चेतन उस ज्ञान को लेता है। तो आपका मन आपका चित्त उस वस्तु पे जाता है, उसका वो आकार ग्रहण करता है, और जब वो आता है तब आपको पता चलता है ये गुलाब, ये स्क्वायर, ये सर्कल, ये ऐसा। और केवल वस्तु में नहीं, इवन कॉन्सेप्ट्स। जिस परिस्थिति में आप हो आप चित्त से इन्वॉल्व हो जाते हो, आपका मन उसमें इन्वॉल्व होता है, मन उसका आकार धारण करता है। और इसलिए वेदांत ने कहा कि मन को यदि शांत करना है, जन्म जन्मांतर के बंधन मुक्त होना है, तो मन को इतना संभाल के रखो कि मन के ऊपर ये संसार के संस्कार न पड़े या तो कम से कम पड़े। क्योंकि जितनी जितनी चीजों में आप अपने मन को इन्वॉल्व करते जाओगे आपका मन वो आकार लेता जाएगा, वो इमेजेस बनती जाएगी, चित्त के ऊपर संस्कार पड़ेंगे और उसके लिए जन्म जन्मांतर निर्माण होते रहेंगे। मन को इन्वॉल्व ही मत करो। यही बात जो वेदांत की है वो जैन महात्माओं ने पकड़ी कि यदि आप मन की शांति चाहते हो, स्थिरता चाहते हो जीवन में, मन पर संस्कार होने ही ना दो, मन को इन्वॉल्व। ये जो बहुत प्रसिद्ध हम लोग कहते हैं गांधी जी का 3 बंदर का खिलौना, वो गांधी जी का नहीं था, गांधी जी ने जैन महात्माओं के पास से लिया। जैन महात्मा और उसको वो मॉडल कहते हैं, ये मॉडल अपने पास रखते हैं। बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत। हमें जो सिखाया गया ना, एक बंदर कहता है बुरा देखो मत, दूसरा बोलता है बुरा सुनो मत, तीसरा बोलता है बुरा बोलो मत, ये अधूरी भावना है। जैन महापुरुष जो कहते हैं वो सही बात, वो पूर्ण बात है। बुरा देखो मत पता कैसे चलेगा? कुछ देखोगे तभी तो पता चलेगा ना ये बुरा हो रहा है, बिना देखे कैसा पता चलेगा कि बुरा हो रहा है? समझो कहीं कोई बुरा दृश्य चल रहा था, 10 मिनट देखा वो दृश्य आपने और फिर पता चला रही ये तो बुरा दृश्य है, मुझे तो नहीं देखना है, और वहां से आंख बंद करके आप बैठ गए। आपकी आंखें बंद करने से वो बुरा दृश्य बंद हुआ? नहीं हुआ। वहां तो बंद नहीं हुआ, अब आपकी बंद आंखों के पीछे वो बुरा दृश्य चालू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण आगे स्पष्ट करेंगे वो
रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्योंकि भीतर तो वो रस है, आप सोचोगे अब आगे क्या हुआ होगा। आपके सामने दो लोग बैठकर किसी की निंदा कर रहे हैं, अब आपको पता है कि निंदा बुरी बात है। 10 मिनट आपने निंदा सुनी और एकदम याद आया, अरे मुझे तो बुरा नहीं सुनना है, वहां से कान बंद करके आप निकल गए। आपके निकल जाने से वो निंदा बंद हुई नहीं, वहां तो बंद नहीं हुई, लेकिन बाजू के कमरे में भी आप बैठे हो, फिर आपके मन में अब आगे क्या कहा होगा, अब ये कहा होगा, उसको ये तो कहना चाहिए था, अब आप सजेस्ट करोगे क्या कहना चाहिए था उसको, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो ढोंग हो गया। आंखें बंद करके यदि आंखों के पीछे बुरा दृश्य चल रहा है, कान बंद के करके भी यदि वो बुरी बातें आप स्वयं चर्चा कर रहे हो। जैन महात्मा ये मॉडल का प्रयोग इसलिए करते हैं, बुरा मत देखो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं देखो ही मत जब तक अत्यंत आवश्यकता न हो, सुनो ही मत जब तक अत्यंत आवश्यकता न हो, और बोलो ही मत जब तक अत्यंत आवश्यकता न हो। क्योंकि ये तीन इंद्रियां ऐसी बड़ी पावरफुल, वो चित्त को आकार देगी। मैं जब गाड़ी में ट्रैवल करता हूं ना, 80% मेरा समय गाड़ी में ट्रैवलिंग के समय मेरी आंखें बंद रहती, यदि अनुकूल हो तो लंबा होकर पिछली सीट पे सो जाता हूं। आज भी मैं एयरपोर्ट से आया, मेरे पीछे दीपक भाई बैठे थे, मैंने कहा दीपक भाई जरा सीट रिक्लाइन कर लूं, हाँ, एयरपोर्ट से यहां आते समय 15 मिनट मैंने झपकी ले ली। 6 महीने के बाद कि 8 महीने के बाद पता नहीं कितने समय अहमदाबाद आया, जरा देखूं तो सही कैसा है अहमदाबाद, क्यों देखूं, मुझे आवश्यकता नहीं है, देखो ही मत जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो, सुनो ही मत। बात कर रहे थे कुछ पीछे, तो मैंने जैसे सीट रिक्लाइन की तो इन्होंने बात बंद की, मैंने कहा आप करते रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे कान बंद हो गए, मैं क्यों सुनूं आपकी बातें, आप अपने व्यवसाय की बातें करो, कुछ वो जो करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, और उसके लिए मुझे कान बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है, भीतर से स्विच ऑफ हो गई, कुछ भी बोलते रहो क्या फर्क पड़ता है, सुनो ही मत जब तक आवश्यक ना हो। ये साधना है, ये योग है। हमारा मन क्यों, हम कुछ लोग तो ऐसे होते कोई कारण न हो, कथा सुनने आए हैं, प्रवचन अभी तक शुरू नहीं हुआ, पीछे बैठे हुए क्या बात कर रहे हैं ऐसा करके सुनेंगे जरा, और बाजू वाला अपना कोई कहेगा जरा पुस्तक, पीछे वाले कुछ कह रहे हैं, अनबाजा के कान तो सर्वाज राखवा, राखो सर्वा, मत करो। ये अननेसेसरी क्लटर जब बंद हो जाता है ना, तो फिर जहां फोकस करना है वहां एकाग्रता से कर सकते हैं। ये आवश्यक है। मेरे कहने का आशय, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मन जितनी जगह पे आप उसको ले जाओगे उतने उतने आकार मन धारण करता है। अर्जुन के मन में ये कश्मलता इसलिए आई कि धृतराष्ट्र का संदेश था युधिष्ठिर के लिए, सुना अर्जुन ने, उसके चित्त ने उसको पकड़ लिया। तो पहली बात तो यहां कुतः शब्द से कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन वो तेरे लिए था ही नहीं, युधिष्ठिर के लिए था, ये निर्बलता तू क्यों ले आया। दूसरी बात,
तुझे लगेगा कि हाँ चाचा जी कैसी बात कह रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, हम तो धार्मिक हैं, हमें सब नहीं करना चाहिए। अर्जुन, बातें धार्मिक थी लेकिन कहने वाला तो अधार्मिक था। और हां, अधार्मिक व्यक्ति ने भी यदि अच्छे हेतु से कही होती तो मानता, लेकिन अधार्मिक व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए यह बात कही थी, वो तुझे मैनिपुलेट करना चाहता था और अर्जुन तू मैनिपुलेट हो गया। किसी दुष्ट व्यक्ति की चाल में फंसना यह भी दुर्बलता है। अर्जुन तो धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति की जाल में फंस गया, ऐसी दुर्बलता क्यों आई? और तू तो धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला है तू अर्जुन, ये तुझे शोभा नहीं देता। अनार्य जुष्टम है, आर्य लोगों को ये योग्य, आर्य लोग ऐसा वर्तन नहीं करते, आर्य लोग ऐसा सेवन नहीं करते। तो अर्जुन तुझे लगता है कि ये बातें करके या बोल के तू अच्छा दिखता, गलत दिखा है, अनार्य जुष्टम है। दुर्गुण को दुर्गुण के रूप में समझ लो। यहां तेरा गुण भी दुर्गुण बन रहा है अर्जुन। अन्याय के मार्ग पर चलने वालों को यदि तू दंड न देगा तो उसको तेरी करुणा नहीं मानी जाएगी, उसे तेरा दोष माना जाएगा। तू है कौन? आजकल एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कंटेम्पररी टॉपिक है, यदि कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है तो फिर इसे क्यों न करने दिया जाए? हमारे शास्त्र में अधिकार की बात आती है, लेकिन आज के युग में लोग कहते हैं ऐसा क्यों? एक राजा ने मार्ग में कोई महापुरुष दिखा, या तो सभा में बुलाए उनको और उनसे प्रश्न पूछा कि महाराज जी, मैं क्षत्रिय हूं वो मैं जानता हूं, लेकिन यदि मैं कोई दूसरे अच्छे काम कर सकूं तो मुझे मना क्यों किया जाता है? मैं कर सकता हूं तो क्यों ना करूं? श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में बहुत सुंदर बात की, ब्रह्मसूत्र के भाष्य में, कि यो ही यम प्रतिविधीयते सतस्य धर्मः नतु यो यम स्वनुष्ठातुम शक्यते। जिसके लिए जो निश्चित है, जिसका जो कर्तव्य है वो उसका स्वधर्म है, वो जो अच्छा कर सकता है वो उसका स्वधर्म नहीं हो सकता। ये पूछा सन्यासी ने, कहा कि देखो, केवल कोई बात तुम अच्छी तरह से कर सकते हो इसलिए वो बात सही है या तो वो तुम्हारा अधिकार है, ऐसा नहीं है। हमेशा उस कार्य का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। मैं एक सांसारिक दृष्टांत से इस बात को स्पष्ट करूं, समझ लीजिए। आप रहते हैं और पड़ोस में एक दूसरा परिवार रहता है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखते हैं, पत्नी को जो भी चाहिए उसे लाकर देते हैं, रोज शाम को पत्नी के लिए गजरा लेकर आते हैं, हफ्ते में एक दो बार अपनी पत्नी के लिए आइसक्रीम भी लेकर आते हैं, एंड योर वाइफ लाइक्स इट, शी लव्स यू फॉर इट,
यू आर अ गुड हस्बैंड। ठीक है, अच्छी बात है ना, पत्नी के लिए रोज गजरा लेके आना, हफ्ते में दो तीन बार आइसक्रीम लेके आना, अच्छी बात है, पत्नी को प्रसन्न रखना। नाउ दिस इज योर क्वालिटी। आपको पता चलता है कि आपके पड़ोस में जो परिवार है उसका हस्बैंड पत्नी का इतना ध्यान नहीं रखता, तो आप कहते हैं अरे रे, एक स्त्री को गजरा तो रोज मिलना चाहिए शाम को, चलो मैं अपनी पत्नी के लिए लाता हूं, दो लेके आऊंगा रोज। अपनी पत्नी के लिए हफ्ते में तीन बार आइसक्रीम लाता हूं तो बाकी तीन दिन बचे उसमें मैं उसके पड़ोसन के लिए लेके आऊंगा, और ऑफिस में से सीधा घर आने की बजाय उसको जाकर के आइसक्रीम पास में बैठ के खिला के आधा घंटा उसके साथ अच्छी बातें कर, जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ करता हूं, उसको पसंद है ऐसे उसके साथ करके आऊं। बोलो, ये तुम्हारा अधिकार है। जस्ट बिकॉज यू आर गुड एट समथिंग यू कांट कीप डूइंग इट विथ एवरीबॉडी। क्योंकि आपकी पत्नी को प्रसन्न रखना यह आपका अधिकार है, यह आपका कर्तव्य है। पड़ोसन को खुश रखना, आप शायद अपनी पत्नी से भी उसको अच्छी तरह से खुश रख सको, लेकिन फिर भी इवन इफ यू आर गुड एट इट, वो आपका अधिकार भी नहीं है और वो आपका कर्तव्य भी नहीं है, उससे गड़बड़ के निर्माण होगी। शास्त्रकारों ने बहुत चिंतन किया। राजा वो महापुरुष से पूछता है, इतना तो बताया, फिर नहीं, महापुरुष कहता है, राजा पूछता है, नहीं 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 ऐसा कैसे हो सकता है, काम तो अच्छा हो, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल आएगा ही, ऐसा नहीं है, वो अच्छा काम कहां हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, और वो आपकी अधिकृत चेष्टा है, आर यू क्वालिफाइड टू डू दैट। सन्यासी ने एक दूसरा प्रैक्टिकल करके बताया। राजा ने जब यह प्रश्न पूछा, नहीं कैसे, सन्यासी ने एकदम कैसे क्रोधित हो गया हो, राजा के साथ जो उसके बॉडीगार्ड थे, सैनिक खड़े थे, उनसे कहा मारो इसको, समझता नहीं है मैं इसकी बात, इसको समझा रहा हूं, सिद्धांत की चर्चा कर रहा हूं, इतनी बात मानता नहीं है, दलील किए जा रहे, डंडा मारो इसको। सन्यासी ने जब राजा के अंगरक्षकों से कहा कि इसको डंडा मारो, अंगरक्षक हिले तक नहीं, खड़े रहे अपने स्थान पर। लेकिन सन्यासी ने जब ऐसा गुस्सा किया तो राजा को बहुत बुरा लगा, अरे होते कौन हो तुम, मेरे बॉडीगार्ड्स को तुम ऑर्डर करते हो मुझे डंडा मारे। राजा ने केवल इशारा किया, लगाओ इसको, तो तुरंत जो राजा के अंगरक्षक थे सन्यासी को पकड़ के ऐसा मारने गए। सन्यासी कहते ठहर जा राजा, देख ये मेरा उत्तर, वाक्य तो हमने एक ही कहा, डंडा मारो, लेकिन मेरा अधिकार नहीं था यह वाक्य कहने का, इसलिए उसका फल नहीं मिला, तेरा अधिकार था तो फल तुरंत सामने आया। कोई भी चेष्टा करें वो चेष्टा अधिकार के साथ चेष्टा होनी चाहिए। केवल कर्म अच्छा है या तो केवल कर्म किस प्रकार का है उससे परिणाम नहीं आएगा। अर्जुन यहां पर बात तो अच्छी कर रहा है, कृपा की, करुणा की, दया की बात कर रहा है, लेकिन क्षत्रिय के रूप में अर्जुन को यह अधिकार नहीं है, और इसलिए भगवान ने, नहीं तो कई लोगों को होता है अर्जुन कितना बेचारा अच्छा है ना, ये तो युद्ध को छोड़ के जाने की बात करता है, अपने कजिन भाइयों को सब राज्य दे देने की बात करता है, फिर भी भगवान कृष्ण कैसे ऐसे अर्जुन को लड़ाने की बात करते हैं। अर्जुन की अच्छाई को कृष्ण दुर्बलता कहते हैं, हां ये अर्जुन की दुर्बलता है, क्योंकि वो अनधिकृत चेष्टा है। कुतस्त्वा कश्मलमिदम्, अर्जुन ये कश्मल कैसे आया।
लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के प्रति अत्यंत प्रेम निर्माण हुआ है, क्योंकि कृष्ण जानते हैं अर्जुन धर्म का अधिकारी, ये उपदेश का अधिकारी। यदि अर्जुन उपदेश का अधिकारी न होता तो श्री कृष्ण शायद उसे उपदेश न भी करते। 18वें अध्याय में बात आएगी, 2032 में हम देखेंगे। वो श्री कृष्ण कहेंगे, क्यों आप हंसते क्यों हैं, 2032 में मैं रहूंगा और राजीव भाई भी रहेंगे, आपकी बात आप जानो, बराबर ना राजीव भाई, हम दोनों रहेंगे। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पूरी भगवत गीता का, हाँ चिनू भाई भी रहेंगे, तो पूरी गीता का उपदेश करके श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। अर्जुन, ये ज्ञान मैंने श्रेष्ठ ज्ञान कहा है, लेकिन जो अभक्त है, अतपस्वी है, जो तपस्वी नहीं, उनको मत दो। अच्छी बातें भी यदि गलत लोगों से कहोगे तो उसका परिणाम नहीं आएगा, श्री कृष्ण ने अनुभव करके देखा है। दुर्योधन को समझाया, माना दुर्योधन? नहीं माना। लेकिन अर्जुन को समझाते हैं क्योंकि प्रभु को पता है अर्जुन मूलतः धार्मिक व्यक्ति है। अर्जुन करना तो चाहता है धर्म, याद रखना, लेकिन यहां पर उसकी 7वें श्लोक में बात आएगा, ये शब्द धर्म सम्मूढ़ चेता, ये धर्म के बारे में उसकी सम्मूढ़ कंफ्यूजन आ गया। अर्जुन वॉन्ट्स टू बी गुड, उसे यह लगता है कि कहीं अपनों को मार करके मैं गलत काम ना कर बैठूं, कहीं अपनों को मार करके मैं अधर्म ना कर बैठूं। तो अर्जुन को क्या हुआ है, अर्जुन धर्म को अधर्म समझता है, क्षत्रिय के रूप में जो उसका धर्म है, उसका कर्तव्य निभाना, उसको अर्जुन यहां पर अधर्म समझने लगा है, और ये दुष्टों को बचाना जो अधर्म है उसको वो अपना धर्म समझने लगा है। क्यों? कार्पण्य दोष, ये उसके मन की निर्बलता है, और कंफ्यूज माइंड, वो वीक ही हो जाता है। कंफ्यूज माइंड कभी स्ट्रांग हो सकता है? धर्म को अधर्म समझे, अधर्म को धर्म समझे। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक ही काम किया है, अर्जुन के इस भ्रम को हटा दिया, ये कंफ्यूजन को क्लियर किया। गीता हमारे लिए भी इसीलिए काम की है। हम संसार में कई बार सही को गलत समझ लेते हैं और गलत ही हमें सही लगता है। जीवन में दुख वहीं से आते हैं। परिवार में कोई गलत मार्ग पर चल रहा हो, परिवार का ही सदस्य है, अपना है, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, कोशिश करें हम उसे समझाने की, माने नहीं। अब हमें पता है कि वो गलत मार्ग पर है, और हमें लगता है हाउ कैन अ पर्सन डू दिस, जो हमें इतनी स्पष्ट दिखाई पड़ती है बात की एक गलत है, लेकिन वो बरसों से उसको लगा हुआ है, क्योंकि उसके मन में ही वो कंफ्यूजन है, वो अधर्म को ही धर्म मानता है। या तो धर्म है उसको अधर्म मानता है, वो छोड़ देता। हम परिवार के सदस्य हैं, हमारे बीच में संघर्ष न होना चाहिए। कोई गलत फहमी हो गई हो तो उसको क्लियर करने के और कई रास्ते हैं। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता सही नहीं है, ये धर्म है, लेकिन वो उसको अधर्म लगता है, वो छोड़ देता है। और वो जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं वही उनको सही रास्ता लगता है। ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए श्री कृष्ण की आवश्यकता है, भ्रम निरसन के लिए कृष्ण चाहिए। तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परंतप।
क्लीब मत बन अर्जुन। भगवान को जब भी आवश्यकता पड़ी ना तब बहुत स्पष्ट शब्द कृष्ण कहते हैं। ही डजंट स्टील वर्ड्स, ही इज वेरी डायरेक्ट। क्लीब का अर्थ है नपुंसक, इंपोर्टेंट, व्यंडल। अर्जुन ने कहा अर्जुन नपुंसक मत बन, नहीं तत्व उपपद्यते, ये तुझे शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफिट यू। चौकन्ना रह गया होगा अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने तो ऐसा सोचा था कि मैं जब ऐसी अच्छी अच्छी बातें करूंगा, युद्ध छोड़कर जाने की, संपत्ति दे देने की, संन्यास ले लेने की, भैक्ष्यमपि हलोके, भिक्षा मांगकर पूरा कर लूंगा जीवन, ऐसी जब बात करूंगा तो कृष्ण मेरी प्रशंसा करेंगे, कृष्ण बजाएंगे ताली। लेकिन यहां तो भगवान ने अर्जुन को दी है गाली। सोचा भी नहीं था अर्जुन ने कि मैं जो कह रहा हूं उसका यह परिणाम आएगा, प्रतिभाव यह आएगा कृष्ण के पास। क्लीब मत बन। कृष्ण ये भी जानते हैं ये क्लीब शब्द क्यों आया भगवान के मन में, क्योंकि अर्जुन की यह बीमारी कहां से आई है कृष्ण ठीक रूप से जानते हैं। अभी अभी गुप्तवास से आया है अर्जुन, 12 वर्ष का वनवास और 13वां वर्ष गुप्तवास। गुप्तवास में जब रहे तो अर्जुन व्यंढल के रूप में ही तो रहा, डांस टीचर के रूप में ही तो रहा अर्जुन। बृहन्नला नाम लेकर के विराट राजा की सभा में उसी स्वरूप में रहा। मैं महाभारत का जब अध्ययन करता था तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि ठीक छे भाई धीरे भाई सुख, मैं महाभारत का जब अध्ययन कर रहा था तो कई बार मुझे लगता था कि बाकी सब भाई सही रूप में रहे, अर्जुन को ही ऐसा क्यों करवाया ट्रांसजेंडर। ये बचपन से जब मैं महाभारत देखता पढ़ता, मेरी दादी माँ के पास कहानी सुनता, तो हमेशा मेरे मन में ये होता था अर्जुन को ये प्रक क्यों दिया रूप। देखो भीम मजबूत है तो उसको रसोईया बनाया, युधिष्ठिर को मंत्री के रूप में रख लिया गुप्तवास में, नकुल को घोड़े बहुत पसंद थे तो उसको अश्वपाल के रूप में रखा स्टेबल में घोड़े संभालने के लिए, सहदेव विद्यावान था उसको ज्योतिषी के रूप में रख दिया, द्रौपदी स्त्री है चलो रानी थी लेकिन दासी के रूप में रख दिया, विराट राजा के पत्नी की पर्सनल मेड के रूप में शोभा हो उसके अटेंडेंट के रूप में, जहां भी जाए तो प्रेजेंटेबल दासी, सबको काम अच्छे दिए। एक अर्जुन को है पुरुष बनाया स्त्री, बृहन्नला डांस टीचर का काम दिया लेकिन स्त्री के कपड़े में रहा, स्त्रियों के बीच में रहा। और उस समय में नियम था कि रानी के अंतःपुर में कुछ डिपार्टमेंट संभालने के लिए व्यंढलों को नियुक्त किया जाता था। शक्ति भी होती है और दुर्व्यवहार कर नहीं सकते, ये दो कारण रहते थे उनके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को संभालने के लिए उनको रखा जाता था। अर्जुन रहा, कारण मुझे मिला अध्ययन करते हुए, कारण यह था अर्जुन वीर था, बलवान था,
उसको छुपाना मुश्किल था, क्योंकि उसका शौर्य छुप नहीं सकता था, अर्जुन अन्याय देख नहीं सकता था। और ये हुई है घटना, दुर्योधन और कौरवों ने जब गायों को लेकर के दौड़े, विराट राजा का पुत्र उत्तर जब रक्षा न कर पाया तो अर्जुन आ गया है और पूरे सबको हराया है, गायों को लेकर वापस आया। शूर था अर्जुन, अन्याय सहन नहीं कर सकता था, लेकिन उसको छुपाने के लिए इतना तो निर्णय लिया कि उसको स्त्री रूप दे दो तो छुप के रहेगा वो। लेकिन मजबूत आदमी है हट्टा कट्टा, और अर्जुन के लिए शब्द है उसके स्कंध, उसके कंधे विशाल थे, बचपन से वो धनुष बाण उठाते आया है तो उसके कंधे ऐसे चौड़े थे, विशाल थे। अब विशाल कंधे हो और स्त्री रूप लेना हो तो एक ही ऑप्शन बचता है, व्यंढल के रूप में उसको रखो। उसके जो चौड़े कंधे हैं वो छुप जाए, जस्टिफाई हो जाएंगे। और नृत्य अच्छी तरह से जानता था, इसलिए डांस टीचर के रूप में उत्तरा को सिखा सके राजकुमारी को। क्लीब बनकर एक वर्ष रहा ना, तो वो संस्कार, वो मन ने आकार, अभी हमने जो वेदांत देखा, इसलिए श्री कृष्ण ने वहां वही शब्द का प्रयोग किया, अर्जुन अब तो तेरा एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ। वो तो आवश्यकता थी कि तुझे छुप कर रहना था, अब तो यहां तेरा शौर्य प्रकट करना है, तुझे तेरा पराक्रम प्रकट करना है। श्रीमद् भगवद गीता पौरुष की प्रेरणा देने वाला अद्भुत ग्रंथ है। गीता के विचार जिसने आत्मसात किए हो वह व्यक्ति कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता, निकम्मा नहीं रह सकता, अपने कर्तव्य पालन से दूर भागने वाले अर्जुन को भगवान ने क्लीब कहा, नपुंसक कहा है। गीता दो शब्द को दृढ़ करती है मनुष्य के अंदर, व्यक्ति वीर बने और धीर बने। धीरस्तत्र न मोहियते, गीता का शब्द है, व्यक्ति वीर होना चाहिए और धीर होना चाहिए। बहादुर हो, वीर शब्द से ही संस्कृत में वीर्य शब्द बना, वीर्य का अर्थ है पराक्रम। अब देखना समझ, किसी व्यक्ति को आंख नहीं होगी तो हम उसकी सहानुभूति करेंगे, दया रखेंगे, बेचारे की आंखें नहीं है, कोई सुनता नहीं होगा, हमें दया आएगी उसकी। किसी के हाथ पैर ये अंग नहीं होंगे, हम उसकी मदद करेंगे जाकर के, दया आएगी उस व्यक्ति की। लेकिन जो वीर्यहीन होगा, जो पौरुषहीन होगा, समाज उसकी मजाक उड़ाता है, उसकी दया नहीं रखते, उसकी निंदा होती है, मजाक होता है। बिना पौरुष के मनुष्य का मूल्य क्या है? शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो, ये जेंडर की बात नहीं कर रहा यहां पर, पौरुष तो दोनों में होता है। भगवद गीता में ही 10वें अध्याय में तो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, लेकिन उसके पहले 7वें अध्याय में भी किया, ज्ञान विज्ञान योग में, और 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में अपनी विभूतियों को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दं खे पौरुषं ऋषुः, ऋषु
नृषु पौरुष, मनुष्यों में पौरुष, ये मेरी विभूति है। वो ही जब चला जाए, कुतस्त्वा कश्मलमिदम्, कहां से आई अर्जुन, विषमे समुपस्थितम्। पुरुष कौन है? शास्त्रकार कहते हैं, संस्कृत व्याकरण में कहा, पूर्णत्वात् पुरुषः, जो पूर्ण है वो पुरुष है। ये पुरुष की एक व्याख्या है। और पूर्णत्व का अर्थ क्या है? पूर्णत्व का अर्थ यह है जो दूसरे को दे सकता है लेकिन दूसरों से अपेक्षा नहीं रखता, यह पूर्णत्व का लक्षण है। ये विद्वान के पास पूर्ण विद्या है, उसको गीता का पूर्ण ज्ञान है। इसका अर्थ वो गीता की समझ दूसरों को दे सकता है लेकिन दूसरे उसको क्या समझाएंगे गीता। इसके पास पूर्ण संपत्ति है, इसका अर्थ वो अपनी संपत्ति का सदुपयोग अन्यों के लिए कर सकता है लेकिन अन्यों के पास से वो संपत्ति की अपेक्षा रखता नहीं, इसका अर्थ है पूर्ण संपत्ति। पूर्णत्वात् पुरुषः, जो पूर्ण है। अर्जुन का यह स्वभाव है और वह जब अर्जुन छोड़ रहा है, कश्मल कैसे आती है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं छह कारणों से मन की दुर्बलता आती है। अति चिंतन से दुर्बलता आती है, याद रखना। मन दुर्बल कैसे होता है? व्यक्ति जब चिंतन, अच्छी बात है लेकिन अति चिंतन, संस्कृत में कहा है अति परिचयाद अवज्ञा। स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा गया, किसी ने प्रदेश में पूछा कि स्वामी जी व्हाट इज बैड, बुरा क्या है? स्वामी विवेकानंद ने तुरंत कहा एवरीथिंग इन एक्सेस इज बैड। जब भी कोई वस्तु प्रमाण से बढ़ जाए, अति परिचयाद अवज्ञा, वो बैड। मिठाई मर्यादा में खाओ तो अच्छी, लेकिन सुबह दोपहर शाम लगे ही रहो तो 6 महीने के अंदर डॉक्टर कहेगा आप बंद करो। अति चिंतन मन की दुर्बलता को ले आता है। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल यदि महाभारत में आपको चाहिए तो वह युधिष्ठिर। धर्मराज थे, बुद्धिमान थे लेकिन अति चिंतन। दूसरा है अति भोग, मनुष्य के मन को निर्बल कर देता है। भोग चाहिए, भगवान ने इंद्रियां दी है, संसार में सुंदर भोग है, होने चाहिए। आशिष्ट दृढ़िष्ट बलिष्ठ युवा स्यात् साधो युवा, उपनिषद के ऋषि कहते हैं। लेकिन अति भोग मन को दुर्बल कर देता है। तीसरी बात है अति आचार, इसके लिए शब्द है अत्याचार, अति आचार। व्हेन यू आर इंपोज्ड बाय समवन और यू इंपोज योरसेल्फ ऑन समबडी, समझ लेना ये मन को दुर्बल कर देगा। हर एक क्षण क्षण पे आपको कोई कहे ऐसा करो ये करो वो करो ये करो वो करो, एक एक स्टेप पे यदि कोई कहता रहे ये आदमी का मन दुर्बल कर देगा। कुछ व्यक्ति को अपने आप करने दो, उसको कुछ स्वतंत्रता दो करने की, मार्गदर्शन अवश्य करो लेकिन स्वतंत्रता भी दो। ये दोनों का समन्वय करना बहुत। केवल बताते रहोगे उसको कोई स्वतंत्रता नहीं दोगे तो वो खुलेगा नहीं, और बिल्कुल स्वतंत्रता देगी और मार्गदर्शन नहीं दिया तो भी गलत है। राहत इंदौरी नो शेर भाई,
नई हवाओं की सौबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सौबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। नई हवा, नए विचार आए, अच्छी बात है, लेकिन वो अत्यंत आक्रामक रूप में आए और सही या गलत ये विवेक के बिना आए तो बिगाड़ देती। नई हवाओं की सौबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। अनकंट्रोल्ड फ्रीडम, कबूतर इनोसेंस के प्रतीक हैं, लेकिन उनको भी अनियंत्रित स्वतंत्रता मिल जाए, नई हवाओं की सौबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देकर के अदालत बिगाड़ देती है। पता है, हम छोटे थे, हमने एक कहानी सुनी थी कि एक बहुत बड़ा गुनहगार, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पकड़ा गया, पुलिस में, कोर्ट में पेश किया, उसको केस चला, ही वॉज प्रूवन गिल्टी, और इतने गुनाह किए हैं उसने कि जज ने उसको देहांत दंड की सजा सुनाई, फांसी की सजा सुनाई, और उसे कहा कि तेरी कोई अंतिम इच्छा है अभी इस समय, फांसी की सजा तो है, तुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कहा हां, मां से मिलना है मुझे। कोर्ट में ही थी मां, उसको आगे बुलाया गया, आ जाओ, आपका बेटा आपको मिलना चाहता है। सबने सोचा ये अंतिम क्षणों में भी बेचारा कितना इमोशनल हो गया, देखो उसको मां याद आ गई, ये व्यक्ति, और मां भी थोड़ी भावुक हो गई, अपने बेटे को आलिंगन देने गई। मां को जब आलिंगन देने गई, गले लगाया, तो इस व्यक्ति ने मां का नाक काट लिया, डूचो भरिन। पुलिस ने पकड़ लिया, क्या करता है ये आदमी इतना, ये अभी अभी तुझे फांसी की सजा हुई, इतने गुनाह किए और एक ज्यादा क्यों? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जब छोटा था, स्कूल में से पहली बार पेंसिल चुरा कर ले आया था, मेरी मां को बताया भी मैंने कि ये मैं ले आया हूं, लेकिन मेरी मां ने उस समय मुझे सजा नहीं दी, रोका नहीं। पहली बार मैं वो पेंसिल की चोरी करके आया, उस समय यदि मुझे मेरी मां ने रोका होता तो आज मुझे फांसी की सजा न मिलती। उसी समय मुझे रोक लिया। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे करके अदालत बिगाड़ देती है। और मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, तो सारा काम सियासत बिगाड़ देती है। जब भी हम कुछ अच्छी प्रगति करना चाहें, राष्ट्र की गरिमा विश्व के सामने बनाना चाहें, एक भारत के रूप में हम आगे बढ़ना चाहें, कुछ स्वार्थी सियासत करने वाले लोग इंटॉलरेंस। मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। यह देश तुम्हें रहने जैसा नहीं लगता? शरीर के निश्चित हिस्से पर लात मार के इसको निकालो बाहर। नहीं चाहिए। तूने रहकर भी क्या किया इस देश में अपनी जेब भरने के अलावा? दानी भाई, शरीर के निश्चित हिस्से पर लात मार के भेजो इसको। व्यासपीठ नहीं, थोड़ी मर्यादा राखू छू। मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से,
तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। कहने का आशय, अत्याचार व्यक्ति को दुर्बल बना देता है, मन को दुर्बल बना देता है। निष्फलता व्यक्ति को दुर्बल बना देती है। जीवन में बार 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 जब फेलियर आते जाए ना, मेहनत करे मेहनत करे, निष्फल 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 निष्फल, तब ये व्यक्ति मानसिक रूप से दुर्बल बन जाता है। इसको गीता की जरूरत है खड़ा करने के लिए। पांचवी बात, असहायता। व्हेन अ पर्सन फील्स हेल्पलेस तो उसका मन निर्बल हो जाता है। और छठी बात, आलस्य, लेजीनेस। वो भी अति हुआ ना, आलस्य किसको कहते हैं। आराम जरूरी है। युक्ताः रविहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवद गीता के छठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, योग्य हो जब चीजें, योग्य आहार भी चाहिए, योग्य विहार भी चाहिए, आराम भी योग्य करना, लेकिन वो आराम बढ़ जाए, अति हो जाए, उसको कहते हैं लेजीनेस, आलस्य। वो व्यक्ति के मन को दुर्बल कर देता है। अब अर्जुन में ये छह में से एक भी नहीं है, इसलिए कृष्ण पूछते हैं, अर्जुन कुतस्त्वाकस्मलमिदम, ये दुर्बलता तेरे में आई कहां से। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, दुशासन, शकुनी जैसी आसुरी पाशवी विचारधारा के सामने तो निर्बल हुआ। दुष्टों के सामने निर्बल होना यह अधर्म है, और बलवान व्यक्ति दुष्टों के सामने निर्बल हो, बींग लीनियंट टू रॉन्ग पीपल, वो दोष है। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, व्यक्ति में जो सद्गुण हो, करुणा जैसा सद्गुण, दया जैसा सद्गुण, त्याग भावना जैसा सद्गुण, वो सद्गुण भी यदि धर्म कार्य के लिए न हो, संस्कृति की रक्षा के लिए न हो, तो वो अवगुण बन जाता है, वो अनार्य के योग्य है, अस्वर्ग्य है, अपकीर्ति करने वाला है। अर्जुन, श्री कृष्ण कहते अर्जुन क्लैब्यम मास्मगम, और यहां पर भगवान ने अर्जुन को संबोधन क्या किया, पार्थ, पृथा का पुत्र, कुंती का पुत्र, याद कराया उससे, याद है ना अर्जुन, ये युद्ध करने की बात मैंने नहीं कही है, मैंने तो बहुत कोशिश की युद्ध को रोक लूं। प्रिय स्वजनों, महाभारत के उद्योग पर्व में 137वां अध्याय, यदि आपने घर में महाभारत का ग्रंथ रखा हो तो खोल के पढ़ना, अंधश्रद्धा से बाहर आना। आने तो लोग कहते हैं घर में महाभारत नहीं रखते, क्यों, महाभारत होगा ना, नहीं रखा है तो कम होते हैं महाभारत। यदि घर में महाभारत का ग्रंथ रखोगे, कभी पढ़ोगे, तो पता चलेगा कि कौन सी परिस्थिति है जिससे महाभारत होता है, उसको रोक लो। महाभारत के उद्योग पर्व का 137वां अध्याय, मां कुंता ने कृष्ण के द्वारा अर्जुन को मुख्य और पांडवों को जो संदेश भेजा, परिस्थिति यह है कि युद्ध को रोकने के कई प्रयास करने के बाद भी कृष्ण निष्फल हुए हैं। दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने, शकुनी ने, भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कर्ण ने, दुशासन ने कृष्ण की बात नहीं मानी है। सबने अपने अपने कारण बताए, ये हम पहले अध्याय की चर्चा में कर चुके हैं पिछले साल, और आपको याद है वो।
निष्फल होकर के जब कृष्ण आए, कुंता मैया के पास आकर के कहते हैं, कृष्ण बुआ मैं क्या करूं, इतनी कोशिश कर रहा हूं इन लोगों को समझाने की, पांच गांव की बात की, फिर भी दुर्योधन मानने को तैयार नहीं। और उस वक्त कुंता माता ने जो संदेश दिया है, पश्चिम के बहुत बड़े जो विचारक हैं, महाभारत का संशोधन करने वाले रिसर्च स्कॉलर्स, वे कहते हैं कि महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं, इनमें से एक ये हिस्सा है। प्रत्येक माता को यह संदेश फ्रेम करके अपने संतानों को देना चाहिए, जो कुंता ने अभी कहा है। कुछ श्लोक मैं आपके लिए, अर्जुनम केशव ब्रूयास्त्वयि जाते स्म सूतके उपोपविष्टा नारी भीराश्रमे परिचारिता अथांतरिक्षे वागासीद दिव्य रूपा मनोरमा सहस्राक्ष समकुंती भविष्यत्येशते सुतः। हे केशव, अर्जुन से जाकर आप कहना, अर्जुनम केशव ब्रूयात त्वयि जाते स्म सूतके, जब तू मेरे गर्भ में था, तेरा जन्म में दे रही थी, वो सूति प्रसूति के समय नारियों से मैं घिरी हुई थी, उस समय उपोपविष्टा नारी भी राष्ट्र में परिचारिता, सूति कागार में, प्रसूति कक्ष में जब मैं थी, उस समय आकाशवाणी हुई, अथांतरिक्षे वागासीद दिव्य रूपा मनोरमा, अत्यंत दिव्य और मनोरम वाणी मुझे सुनाई पड़ी, अर्जुन तुझे जन्म देते समय। क्या आकाशवाणी थी? सहस्राक्ष समह कुंती भविष्यत्येशते सुत। हे कुंती, ये जो पुत्र को तू जन्म देने जा रही है, वो पुत्र सहस्राक्ष सम इंद्र के समान तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा। हम सब जानते हैं अर्जुन इंद्र का पुत्र है, इंद्र की उपासना से अर्जुन मिला है। एष जेष्यति संग्रामे कुरुन सर्वान समागतान, रण मैदान में इकट्ठे हुए सारे कुरुओं को ये जीत लेगा। भीमसेन द्वितीयश्च लोकमुद्वर्तयिष्यति, ये अर्जुन और भीम दोनों मिलकर के सारे शत्रु समुदाय को व्याकुल कर देंगे। केशव, अर्जुन से जाकर यह कहना कि तेरे जन्म के समय मैंने यह आकाशवाणी सुनी थी, मेरे हृदयाकाश में यह भाव था कि तुम्हें स्वर्ग मिले क्योंकि तुम्हें यश मिले, और तू यह रण मैदान से भागने की बात कर रहा है। अर्जुन अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में और दूसरे श्लोक में जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, उसका अनुसंधान मां कुंती के संदेश से है। और कुंता माता ने आगे कहा है, मैं केवल महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ता हूं, पूरा अध्याय आप घर पे पढ़ लेना। यदर्थम क्षत्रियासूते तस्य कालो यमागतः नहि वैरम समासाद्य सीदन्ति पुरुषर्षभः। जिस हेतु के लिए क्षत्राणी पुत्रों को जन्म देती है, वो हेतु को सिद्ध करने का यह समय आ गया है। श्रेष्ठ मनुष्य जो होते हैं, नहीं वैरम समासाद्य सीदन्ति पुरुषर्षभः, किसी के साथ एक बार वैर ठन जाए, कोई व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन बन के खड़ा है, आप उसको लाख कोशिश करते हो समझाने की, आप अपनी ओर से सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, फिर भी वो आपके साथ दुश्मनी नहीं छोड़ रहा, तो फिर रण में से भाग जाए वो क्षत्रिय नहीं होते, वो शूर नहीं होते। न सिदंती पुरुषर्षभः, जो पुरुष श्रेष्ठ है फिर वो उस समय पीछे हट नहीं करते, तब तुम्हें अपना शौर्य दिखा देना होता है।
और ये शौर्य का दर्शन करा सको, इसीलिए तो क्षत्राणी अपने पुत्रों को जन्म देती है। लेटेस्ट इतिहास में कई एग्जाम्पल मिलेंगे आपको राजस्थान की शौर्य गाथाएं जब सुनोगे तो। लेकिन तीन चार दिन पहले की बात करूं, कर्नल महाडिक कश्मीर बॉर्डर पर आतंकियों का सामना करते हुए जब शहीद हुए, उनकी मृतदेह को महाराष्ट्र में उनके गांव ले जाया गया, वो कर्नल महाडिक की पत्नी कहती है, मेरे दो पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को मैं भारतीय सेना में देख लूं, राष्ट्र की रक्षा के लिए। ये महान नारी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं देश छोड़ के जाना चाहती हूं, आवेश समझ क्या रखा है, ये बोड़ी बावणी नु खेतर जा। सरहद की रक्षा करते हुए जिसने अपना पति गंवाया है, ये क्षत्राणी वीर नारी कहती है, मैं मेरे पुत्रों को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करना चाहती हूं। कुंता ने यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो यमागतः। क्षत्राणी जिस हेतु के लिए पुत्रों को जन्म देती है, केशव अर्जुन से जाकर कहना कि वो समय आ गया है। और वो अध्याय में आगे चलकर कुंता मैया जो संदेश भेजती है, यच्च यः प्रेक्षमाणानां सर्वधर्मोपचायिनां पांचाली परुषाण्युक्ता कोनु तत्क्षन्तुमर्हति। कृष्ण, मेरे पांच पुत्रों से कहना, मुझे राज्य के जाने का इतना दुख नहीं है, संपत्ति आती है जाती है, सत्ता आती है जाती है, मुझे उसका इतना दुख नहीं है। जुए में मेरे पुत्र हार गए और उन्हें वनवास में जाना पड़ा, उसका भी मुझे उतना दुख नहीं है। मां के रूप में मुझे बुरा लगा कि मेरे पुत्रों को 12 वर्ष तक वन में जाना पड़ा, उनके पुरुषार्थ से बनाए हुए इंद्रप्रस्थ राज्य को जुए में इन लोगों ने छीन लिया, लेकिन वो वेदना भी कम हो गई। अभी तो राज्य के जाने का दुख नहीं है, संपत्ति चली जाने का दुख नहीं है, जुए में इन लोगों ने सब छीन लिया, मेरे पुत्रों को वन में जाना पड़ा, उसका भी दुख नहीं है। लेकिन यत्र सा बृहति श्यामा सभायां रुदति तदा अश्रौषित परुषावाचस्तन्मे दुखतरम महत। भरी सभा में मेरी प्यारी पुत्रवधू द्रौपदी ने रोते हुए दुर्योधन के कटु वचन सुने थे। दुर्योधन कुछ न कुछ बोल रहा था, अभद्र बातें कर रहा था, मेरी पुत्रवधु को अपमानित कर रहा था, और द्रौपदी को आंख में अश्रु लिए ये सारे वचन सुनने पड़े, यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। कुंता कहती है, इसलिए पांडवों तम वै ब्रूहि महाबाहो सर्वशस्त्र भृतां वरम अर्जुनम पुरुष व्याघ्रम द्रौपद्या पदविंचर। पांडवों से कहना और खास करके अर्जुन से कहना, पुरुष व्याघ्र पुरुषों में सिंह समान जो अर्जुन है उससे कहना, द्रौपद्या पदविंचर, द्रौपदी के कदम पर तुम चलना, द्रौपदी जो चाहती है ऐसा तुम करना। आज के जमाने की कोई सास अपने बेटों से कहेगी कि बहू जो कहे वो करना? यहां पर कुंता कहती है,
द्रौपद्याम पदवींचर, द्रौपदी के कदम पर चलना। बड़ा सुंदर संदेश। तो कृष्ण यहां पर याद करा रहे हैं अर्जुन को पार्थ संबोधन करके, अर्जुन युद्ध करना है यह मेरा निर्णय नहीं है, मुझे इसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ना मैं कुछ चाहता हूं इसमें, लेकिन जिस माता का तूने दूध पिया है ये माता का यह संदेश है। पार्थ नहीं तत्व युपपद, जो मां तुम्हें इतनी प्रेरणादायी बात कर रही हो उसका पुत्र बनके तू युद्ध से भागने की बात करता है अर्जुन, शेम ऑन यू, क्लीब मत बन, नपुंसक मत बन, ये तुझे शोभा नहीं देता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, हृदय की एक क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर दे, खड़ा हो जा अर्जुन। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की इच्छा जिसको हो उस व्यक्ति को भगवद गीता के जो कुछ सूत्र है ना, हृदयस्थ करने चाहिए, और हृदयस्थ हो इसलिए मैं तो कहता हूं उसको लिख के अच्छी तरह से फ्रेम करके आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके कार्यक्षेत्र जो भी हो वहां पर लगा के रखो, बार बार उसको पढ़ते रहोगे तो ये पाठ पक्का होता रहेगा। उसमें पहला ये सूत्र है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग के खड़ा हो, शोभा नहीं देता तुझे ये हार जाना। विपरीत संजोग आते हैं, शोभा नहीं देता तुझे बैठ जाना, थोड़ी सी मुसीबत आ गई, थोड़ा सा समय खराब आ गया, थोड़ी सी निष्फलता मिली, डिप्रेशन में चले जाते लोग, हमारी तो हाव दशा बे ही गई सब है। शोभा नहीं देती ये दुर्बलता, हमें तो किसी की नजर लग गई, कितना अच्छा चल रहा था हमारा, काली चौदश क्या कुंडाला मा पड़ी गयो, किसी ने हमारे सामने देख के नींबू काटा, अरे कोई तारी हमें हुकाम नींबू कापे, ऐसी हृदय की दुर्बलता छोड़ से। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ, बी अ फाइटर, डोंट बी अ विक्टिम, बी अ विक्टर। चाहे करीब कोई भी परिस्थिति हो उसका गुलाम मत बन, ये कृष्ण का संदेश। योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से भगवद गीता का यह पहला आदेश, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हृदयस्थ करके रखना, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य। तत्वज्ञान तो पढ़ेंगे कृष्ण का, उससे जीवन को रूपांतरित भी करेंगे, लेकिन यह पहला आदेश, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ, हृदय की दुर्बलता को छोड़ खड़ा हो जा, उत्तिष्ठ। गीता के उपदेश के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मानव की मर्यादाओं को दूर करके उसमें वीरता का संचार करते हैं। अपने आप को कभी भी अशक्त मत समझना भाइयों और बहनों, कभी भी अपने आप को अशक्त मत समझना, याद रखना। ग्वालिये जो थे उन्होंने ही श्री कृष्ण की क्रांति को सफलता दी। दही दूध और मक्खन बेचने वाली गोपियों ने श्री कृष्ण की वैश्विक क्रांति की नींव मजबूत की है। भगवान श्री कृष्ण कंस की सभा में जाकर के उसको मारे,
उसकी प्रजाजनों के बीच में, और एक भी व्यक्ति विरोध ना करे कृष्ण का। Isn't it surprising? मथुरा में जाकर के, कंस की प्रजा के बीच में जाकर के कंस को मारे कृष्ण, और लोग कृष्ण की जय जयकार करें। यह कैसे हुआ? यह चमत्कार नहीं है, यह बिल्कुल प्लानिंग के साथ की गई क्रांति है। गोकुल से मथुरा मक्खन बेचने वाली गोपियां मथुरा की गली गली में, घर घर में कृष्ण के प्रति प्रेम निर्माण कर रही थी। कृष्ण के प्रति एक आकर्षण, एक उत्सुकता, एक प्रतीक्षा निर्माण की थी। कब हमारी आंखें धन्य होगी, कब ही आएगा। विक्रेतु कामा किलगोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिक मोहवशाद अवोचद गोविंद दामोदर माधवेत। बेचने तो जाती हैं मक्खन, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, लेकिन कृष्ण के चरणारविंद में जिसकी वृत्ति है वो पुकारती है मथुरा की गलियों में, अरे कोई गोविंद लो, कोई माधव लो, कोई दामोदर लो। और मथुरा की नारी शुरुआत में, अरे पगली, मक्खन बेच रही है और गोविंद की बात कर रही है। गोपी कहती, पगली मैं नहीं हूं, पगली तुम हो। ये मक्खन के कण कण में हमारे कन्हैया का स्मरण छुपा हुआ है। अच्छा, कौन है, कौन ये कन्हैया? और गोपी कन्हैया की बातें कहती, गोपी कन्हैया की बातें कहती, श्री कृष्ण मथुरा में आए उससे बहुत पहले कृष्ण की बातें मथुरा के घर घर में पहुंच गई थी, और यह कारण था कि कंस को जब मारा कृष्ण ने, किसी ने विरोध नहीं किया, जय जयकार। जैसे लोगों को एक, अरे हम तो जानते थे, बस ये तो हमने एक एक्सपेरिमेंट देख लिया, बाकी हम तो जानते ही थे, ये तुरंत स्वीकृत हो गई कृष्ण। छोटे छोटे वानर और रीछ की सेना ने लंका पर विजय पाई है भगवान श्री रामचंद्र जी के नेतृत्व में। कभी भी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी मर्यादा खुद मत बांध। द ग्रेटेस्ट सिन इज टू लिमिट आई, रिचर्ड बक इन इल्यूजन। द ग्रेटेस्ट सिन इज टू लिमिट अपने, अरे आपड़ा थी केम था, हम तो कैसे कर, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। ईश्वर ने कितना पोटेंशियल दिया है आपको। यू आर अ बंडल ऑफ एनर्जी, उसका सदुपयोग करो। तो दास मारुति ही वीर मारुति बने। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। स्वागत महाराज। अहमदाबाद के अत्यंत सुप्रसिद्ध और जागृत स्थान जगन्नाथ मंदिर के परम श्रद्धेय महाराज जी का शुद्रम हृदय दुर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अंतिम शब्द इस श्लोक का समझ लें, परंतप परम, शत्रुन तापयति इति परंतप।
शत्रु को जो महासंताप कराए वो परंतप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देखिए यहां पर ये श्लोक में दो संबोधन, एक पार्थ हमने पूरा समझा पृथा के पुत्र के रूप में संबोधन किया, और दूसरा परंतप। अर्जुन तू शत्रुओं को तपाने वाला है, तेरी वजह से शत्रुओं को चिंता होनी चाहिए, आज शत्रुओं की वजह से तू चिंता करने लगा, ये तेरे हृदय की दुर्बलता है। तू जब जाके खड़ा हो तो शत्रुओं के पैर कांपने चाहिए, और ये हो रहा है। कौरवों के प्रति तो कौरवों के मन में तो तेरे लिए तेरा डर है ही, इसीलिए तो दुर्योधन पहले अध्याय में डरता हुआ द्रोणाचार्य के पास गया। तू परंतप है, तेरी वजह से शत्रु डरते हैं, शत्रुओं की वजह से तू चिंता करे ये योग्य नहीं है। परंतप, श्री कृष्ण ने अत्यंत डायरेक्ट मैसेज दिया। भगवान ने सोचा कि परिणाम आ जाए तो अच्छा, लेकिन आया नहीं। अर्जुन ने बात तो वही कही जो पहले अध्याय में कह रहा था, वो चौथा श्लोक देखिए। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। शत्रुओं के प्रति समझदारी रखो, ये सही है, समझाने की कोशिश करो कि न्याय हो, लेकिन यदि शत्रु न माने तो उसके प्रति दया करना यह शौर्य नहीं है, यह दुर्बलता है। इसका एक और दृष्टांत मुझे याद आया, हमारे शास्त्रों में यह पौरुष का जो वर्णन है इसकी बात मैं कर रहा हूं। रामायण में रावण जब सीता का हरण करके ले गया, राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने के लिए चले हैं, यह वन में वन यात्रा के दौरान अगस्त्य ऋषि मिले। भगवान श्री रामचंद्र जी ने परिस्थिति बताई कि कोई शत्रु है जो, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि रावण उठा कर ले गया, राम को पता नहीं था, सीता का हरण हो गया है, शत्रु को ढूंढना है, उसे मारना है। जटायु के पास से पता चला था कि रावण ले गया, जटायु ने बताया था दक्षिण दिशा की ओर ले गया है रावण, लेकिन वो कहां होगा, सीता को कहां रखा होगा, क्या करता होगा। अगस्त्य ऋषि ने श्री राम, वाल्मीकि रामायण पढ़ना, ये अगस्त्य ऋषि ने श्री रामचंद्र जी को शुरुआत में जो उपदेश किया वो ये किया कि छोड़ दो रामचंद्र जी, अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ऐसे युद्ध करना ये सब शोभा देता है आपको, और रावण जैसे मायावी राक्षस को मारना बड़ा मुश्किल काम है। अगस्त्य ऋषि बता रहे वाल्मीकि रामायण में, और कितनी मुसीबतें वह बताई, रावण को मारना मुश्किल है, इतना ही नहीं समुद्र पार करना अभी तक वो हुआ नहीं, किसी ने किया नहीं है। वो रावण मायावी रूप लेकर आता है, बाकी किसी ने समुद्र पार नहीं किया। न केवल समुद्र पार करना मुश्किल है, लेकिन वो दोष भी है हमारे शास्त्रों में। आप देखो शास्त्रों में लिखा है,
कि समुद्र को लांघना वो दोष है। इसलिए बरसों हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, विशेष करके जो शंकराचार्य के स्थान पर विराजमान हैं, ये परदेश नहीं जाते, जा नहीं सकते। शास्त्र की आज्ञा है कि समुद्र लांग नहीं सकते, दोष है। आप लोग पूछोगे, आप तो जाते हो, प्रायश्चित बताया है। हाँ, समुद्र लांग कर जाओ तो फिर प्रायश्चित करना पड़ता है, ये दोष। अगस्त्य ऋषि बताते हैं रामचंद्र जी को कि इतनी इतनी मुसीबतें हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अगस्त्य ऋषि से, ऋषिवर, जिसकी स्त्री का अपहरण किया गया हो, सती समान सात्विक पवित्र जिसकी पत्नी हो, उसे कोई शत्रु उठाकर ले गया हो, ऐसा पुरुष यदि शांत रहे तो उसके पक्ष में वो अधर्म है। और राम जी स्पष्ट कहते हैं कि अगस्त्य ऋषि आप सन्यासी हो, एक्चुअली वो भी नहीं थे, वो भी गृहस्थाश्रमी थे। हमारे यहां दो स्पष्ट मार्ग बताए, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। श्री रामचंद्र जी कहते हैं ऋषिवर, आप जो उपदेश मुझे कर रहे हो वो सन्यस्त मार्ग का उपदेश कर रहे हो, आप निवृत्ति मार्ग का उपदेश करते हो, मैं उस मार्ग का अधिकारी नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं, गृहस्थाश्रमी हूं। यदि मैं आपकी बात मान करके निवृत्ति मार्ग में चला जाऊं तो यह मेरे लिए अधर्म होगा। अगस्त्य ऋषि के मुखारविंद पर स्मित आया है। अगस्त्य ऋषि परीक्षा कर रहे थे, टटोल रहे थे रामचंद्र जी को, ये क्या कहते हैं। रामचंद्र जी का दृढ़ संकल्प देखा कि यदि रावण मेरी पत्नी का हरण करके ले गया है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सीता को वापस ले आऊंगा, दुष्ट को शिक्षा दूं। ऋषि प्रसन्न हुए और अगस्त्य ऋषि ने मार्गदर्शन किया है श्री रामचंद्र जी का कि रावण के पास ऐसे पहुंच सकते हो। इतना ही नहीं, पाशुपतास्त्र जैसे प्रभावी शस्त्र अस्त्र प्राप्त करने की विद्या भी रामचंद्र जी को दी। तो केवल महाभारत में युद्ध की बात है समझ समझना, रामायण में भी। मेरे कहने का आशय इतना, अन्याय के सामने झुकना यह सद्गुण नहीं है, यह दुर्गुण है। लेकिन अर्जुन यह कह रहा है चौथे श्लोक में, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन। हे मधुसूदन, ये रणभूमि में संख्ये रणभूमि में द्रोण भीष्म जैसे ये महापुरुष हैं, इनको मैं कैसे मारूं। इशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजारह हरिसूदन। हे हरिसूदन, पूजारह भीष्म द्रोण के लिए ये द्वंद्व समास के रूप में पूजारह, ये पूजा के योग्य हैं। अर्जुन की कृतज्ञता यहां पर व्यक्त होती है। अर्जुन कहना चाहता है कि जिनको हार पहनाना चाहिए ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे वडिलों को हराने के लिए मैं बाण से मारूं, ये कैसे हो सकता है। परस्पर प्रेम और आदर का संबंध जहां पर हो वहां युद्ध कैसे संभव है। द्रोण स्नेहवत्सल गुरु हैं और भीष्म उनके प्रेम सभर पराक्रम और कृपा के कारण पांडव और कौरवों की तीन पीढ़ियों की रक्षा हुई है। महाभारत का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा, चित्रांगद विचित्र वीर्य शंतनु के पुत्र, उनकी रक्षा की। फिर धृतराष्ट्र पांडु और विदुर,
उनकी रक्षा की, और ये कौरव पांडव भीष्म की वजह से इनकी तीन पीढ़ियों की रक्षा हुई है, उनको मैं मारूं। महाभारत समय की ये जो विषम परिस्थिति दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कही वो ये भी है कि भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तित्व, आदरणीय व्यक्तित्वों ने भी अधर्म का साथ दिया है, ये विषम परिस्थिति है। अर्जुन के मन का संशय यह है, अर्जुन की जो उलझन है वो ये है, बड़ा संवेदनशील है ये आदमी, वो ये कहना चाहता है कि जहरीला बिच्छू हो वीछी, ये बिच्छू अत्यंत जहरीला, हम जानते हैं कि उसके अंदर विष के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा बिच्छू भी यदि शिवलिंग के ऊपर बैठा हो तो उस बिच्छू को चप्पल से नहीं मारते, उसका स्थान ऐसा है। तो ये तो मेरे पूजा करने योग्य है। अर्जुन की ऐसी समस्या के समय उसको स्पष्ट मार्गदर्शन श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, और यही भगवद गीता का आदेश, पूजा रहो, पूजा करने योग्य है ये। उनके सामने ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सकते तो शस्त्र कैसे चला सकते हैं? अर्जुन धर्म की मर, जीवन भर हमने कभी न द्रोणाचार्य का अपमान किया न भीष्माचार्य का अपमान किया, हमने सम्मान किया उनका हमेशा। फूलों थी हमने पूजा थाए, बाणों थी हमने ईजा न पहुंचाड़ा है। पूजा रहो, ऐसे ही है। शास्त्र बहुत स्पष्ट है इस बात में, गुरुम हुं कृत्य तुम कृत्य विप्रान निर्जित्य वादिनः वादतः स्मशाने जायते वृक्षः कंक गृध उपो गृधोपसेवितः। ये बात जरा सुन लेना, गुरुजनों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ हुं कृत्य तुं कृत्य, हुंकार या तुकार से जो बात करता है, अपमानित भाषा में बात करता है, और विप्रान निर्जित्यवादतः विद्वान ब्राह्मणों के साथ व्यर्थ दलीलें करता है, बस केवल कुछ पकड़ लिया हाथ में तो विद्वान ब्राह्मणों के साथ दलील करते रहता है, बड़े बुजुर्गों को सामने हुंकार करे, उनको तू कह के अपमानित करके बुलाए, और विद्वान ब्राह्मणों के साथ व्यर्थ दलील करे, ऐसा व्यक्ति स्मशाने जायते वृक्षः, मृत्यु के बाद वो स्मशान का वृक्ष बनता है जिसके ऊपर कंक गृधोपि सेवितः, जिसके ऊपर कौवे और गृध्र गीध वल्चर्स बैठते हैं, और बैठते हैं फिर क्या क्या करते हैं वो मैं व्यासपीठ से नहीं कहूंगा। ऐसा था अर्जुन कहता है कि बड़े बुजुर्गों के, आदरणीय जो वडील हैं, बड़े हैं, उनके ऊपर शब्द प्रहार करे हुं कृत्य तुं कृत्य तो ये परिणाम मिले, तो शस्त्र प्रहार करने से तो क्या होगा, ऐसी अधोगति में नहीं चाहता। और भी पांचवें छठे श्लोक में अर्जुन कह रहा है, समय हुआ, थोड़े विलंब से आया था तो थोड़ा समय और ले लिया आपका, कल हमारा समय 4 से 7, कल आएंगे और आगे के श्लोक में क्या अर्जुन की शिकायत है और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उस पर चिंतन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः एकदा
पूज्य महाराज श्री का अभिवादन, भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद लेकर के हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। महाराज जी, आपका कैडिला परिवार की ओर से, व्यासपीठ की ओर से पूजन हम करें, अभिवादन करें। आप सब करतर ध्वनि से बधाई।